हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फर्स्ट लाइव क्लास ऑफ कॉमर्स कैबिन। सबसे पहले तो मुझे बताओ मेरी आवाज बिल्कुल सही से आ रही है, एम आई ऑडिबल गाइस? कमान कमान कमान, और फटाफट से जाके शेयर कर दो, क्योंकि आज एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से एनबीओ चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इसके टॉपिक से आपको बता देंगे, क्योंकि अगर आप समझ पाए या जान पाए, आपने देखा होगा तो सब्सक्रिप्शन, कंजप्शन, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉम्प्लेक्स है अगर इसके डीप में जाया जाए तो। बट आज इस एक सेशन में हम तमाम चीजें कवर करने वाले हैं एक अलग अंदाज में। आई नो कि आपने पहले कभी पढ़ा होगा, आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, बट आज हम इसे पूरा पढ़ने वाले हैं। और एट द एंड हम एक सवाल भी सॉल्व करेंगे इस कक्षा के एंड में, जो कि सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया था, मतलब रिसेंटली जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आया है उसमें वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। चलो जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि कौन सा वाला आपको बेटर लग रहा है। वाह, ओके कम ऑन, कौन सा वाला बेटर लग रहा है, ये बेटर है या ये बेटर है? मेरे हिसाब से ओके, आई थिंक कमेंट वाला फिलहाल ठीक नहीं होगा, हम नॉर्मल से जाते हैं 70-30। ठीक है, चलो ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइज। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी कॉल कर रहा है, अगर आप में से तो कॉल ना करे, अदरवाइज जीवन में उसका कॉल कभी नहीं उठाया जाएगा, आज तो छोड़ ही दो, राइट? चलो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले तो आपको बेसिक चीजें समझाऊंगा, और एक एक करके तमाम टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग नॉर्मली हम एक ही तरीके की सीखते हैं, बुक्स में हमने देखी होगी, बट दो तरीके की फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है, एक आम जिंदगी, एक मेंटोस जिंदगी, तो दोनों वाली हम समझने और करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट कि भाई अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ एनपीओ क्या है। मैं यहां पर एनपीओ क्या है इससे स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हम सबको पता है एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाएं जिनका मकसद कतई कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो बस भैया या तो किसी धर्म की रक्षा करेंगे, या तो किसी कल्चर की रक्षा करेंगे, या तो किसी को हेल्प करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ऐसी संस्थाएं कहलाती हैं एनपीओ। अगर मैं बात करूं ओके, बिल्कुल अमीर था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन ओके। अगर मैं बात करूं कहां था मैं, भूल ही गया, एनीवेज हाँ यार, इस चैप्टर में ना हम एनपीओ की हिसाब किताब सीखने वाले हैं। देखो तो सीधा सा फंडा है, आज अगर मैं एक एनपीओ खोल लूं कि चलो मैं गरीबों को मदद करूंगा, उनको खाना दूंगा, तो एक बात बताओ, गरीबों की मदद करने के लिए और उनको खाना देने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज की जरूरत पड़ेगी? कम ऑन एवरीवन, किस चीज की जरूरत मुझे पड़ेगी, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, किस चीज की जरूरत मुझे पड़ेगी गरीबों को खाना खिलाने के लिए? एग्जैक्टली महक, एग्जैक्टली अनिकेत, अमन, अदिति, गर्गी, गार्गी, गर्गी, जो भी, आई डोंट नो ओके, हमको जरूरत पड़ेगी पैसे की, मतलब समझ रहे हो ना, हाय ये पैसा है कैसा, ये पैसा, तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब जब पैसे की जरूरत पड़ेगी एनपीओ को, तो ऑब्वियस सी बात है वो पैसा कहीं ना कहीं से आता होगा, तभी तो कहीं ना कहीं जाता है, राइट? साथ ही साथ एक बात और, वो जो पैसा है उसका हिसाब भी तो रखना पड़ेगा। जैसे आज मान लो मैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जैसे ध्रुव, हैकर, अनुभूति, तनिषा, ओके तनिषा ग्रेट, बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर है, मान लो 10-12 लोग हैं, ठीक है। अब मैं तुमका, मतलब तुम्हारे लोगों का वो हूं समझो, एक तुमने मुझे सिलेक्ट किया है कि भाई ये हेड है एनपीओ का, मतलब अपन सब एक मिलकर गरीबों को खाना खिलाते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझनी होगी, वो क्या, वो ये कि मैं पूरा हिसाब किताब कर रहा हूं, मैं पैसे खर्च कर रहा हूं, कहीं ना कहीं 10 में से 9 के तो ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक के मन में थोड़ी सी वो इच्छा होगी, सारा कहीं ऊटपटांग जगह खर्च तो नहीं कर रहा ना, मतलब हमने पूरा हिसाब सिद्धांत को दे तो दिया है, पर ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना, हो सकता है शक होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं ठहरा चालू आदमी, मैं बहुत शाणा आदमी हूं, समझे, मैं ना पैसों के मामले में हेरा फेरी करते रहता हूं, मतलब वैसे, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है तुम सबको मेरे पर शक होगा, भर भर के शक होगा, तो तुम ऐसे भरोसा कर लोगे? नहीं,
नहीं कर सकते। तो जो एनपीओज होती है ना वो हिसाब किताब जरूर करती है। एक बात ध्यान रखना, जहां जहां पैसा होगा वहां वहां हिसाब जरूर होगा, क्योंकि अगर आप हिसाब किताब नहीं रखोगे फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो एनपीओ रहता है ऑब्वियसली बात है उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट स्टिल दे आर प्रिपेयरिंग ऑल दीज थिंग डेली बेसिस पर, कैशबुक, स्टॉक रजिस्टर, लेजर्स ये बनाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एट द एंड ऑफ द ईयर जब साल खत्म होता है तब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है एक एनपीओ द्वारा। ध्यान रखो ये प्रतिदिन बनाया जाता है, हर दिन इसमें कुछ ना कुछ कम ज्यादा हिसाब होता है क्योंकि ट्रांजेक्शन होते हैं, राइट। और ये जो तीनों चीजें होती है ये तो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है। यहां तक के सबको क्लियर है, जल्दी बोलो, बेसिक समझ में आ गया क्या होता है, मतलब किस जिस जमीन पर हम मकान खड़ा करने वाले हैं उस जमीन की नींव क्या है, क्या आपको पता चल गया? इज इट क्लियर एवरीवन? क्या आपको नींव समझ में आ गई? ग्रेट, चलो जी, तो नींव आप लोगों को समझ में आ गई है, अब हम आगे बढ़ते हैं मकान की तरफ। चलो ओके, अब सबसे पहली चीज, पहले मैं यहीं पे आऊंगा, सबसे पहली चीज है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। आपको अभी बोला मैंने कि ये तीनों थी एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है, मतलब ये भी एट द एंड बनता है, ठीक है। अब ये जो रहता है किसी से बनाया जाता है, ठीक है, किसी से बनाया जाता है, क्या है कोई बता सकता है भाई किस चीज से बनाया जाता है ये? अब ये मत बोल देना कि पेंसिल से बनाया जाता है, स्केल से बनाया जाता है, नहीं, किसी चीज से बनाया जाता है, वो क्या होती है? कैश बुक। क्योंकि पता है क्या है, ये वो है जो कैश बुक है, बस एक समराइज्ड वे में है। मतलब ये कि कैश बुक में क्या लिखा जाता है, सारे कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन, किसको कितना दिया, किससे कितना मिला एंड ऑल दैट, ये लिखते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों का समराइज्ड फॉर्म रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखा जाता है, ठीक है। मतलब उसी सारी चीजों को, कैश से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड, उनको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखते हैं। अब सबसे पहली चीज कैसे बनाया जाता है भाई, प्रिपेयर बाय कैश बुक, ठीक। उसके बाद इस साल के, ध्यान से समझना, एक बहुत तगड़ी चीज है इसमें, मैं बताऊंगा क्या, इस साल के सारे कैश पेमेंट एंड सारी कैश रिसिप्ट इसमें आती हैं, ठीक। अब इसमें मैंने इतना क्यों स्टार लगा दिया और बार बार बोल रहा हूं इस साल के, तो एक बात बताता हूं, देयर इज अ बिग, मतलब बहुत ही बिग डिफरेंस बिटवीन इस साल से रिलेटेड एंड इस साल के। आर यू एग्री विद मी? अगर मैं बोलूं कि इस साल के का मतलब अलग है और इस साल से रिलेटेड का मतलब अलग है, तो क्या आप मुझसे एग्री हैं या सुनो? जल्दी 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 बोलो। बिल्कुल सही जतिन, अदिति, गुरजीत, बिल्कुल सही बात है यार, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, इस साल से रिलेटेड और इस साल का। मतलब ये कि देखो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो होता है ना, इस साल के पेमेंट जो इस साल आपने किए, इस साल की रिसिप्ट जो इस साल आपको मिली, एक बात बताओ, मान लो मैं एक सीधा साधा आदमी हूं, मैं बेचारा कहीं नौकरी करता हूं 5,000 रुपए महीने की। अब उस 5,000 रुपए की महीने की नौकरी जो मैं करता हूं, कायदे से मुझे 5,000 रुपए मिलते महीने के, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मुझे इस साल उसने, इस महीने उसने सिर्फ 3,000 रुपए दिए, ठीक, समझ रहे हो, इस साल मुझे मिला, मतलब इस महीने मुझे कितना मिला, वो है 3,000 रुपए, जबकि मिलना चाहिए कितना था, अगर मैं बोलूं इस महीने से रिलेटेड और इस महीने का, समझ रहे हो फर्क, इस महीने का कितना है सैलरी 5,000 और इस महीने से रिलेटेड, सॉरी, इस महीने से रिलेटेड सैलरी कितनी है 5,000 और इस महीने की सैलरी कितनी मिली मुझे 3,000, मतलब हम कह सकते हैं कि इस महीने आपको कितना मिला और कितना वाकई में मिलना था। तो यहां पर जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इसमें जो मिलता है वो आता है, समझ रहे हो, भले मुझे इकट्ठा दे दिया हो किसी ने, मान लो 20 साल की सैलरी इकट्ठी 2 करोड़ रुपए किसी ने मुझे दे दियो, मैं उसको लिख दूंगा क्योंकि वो मुझे इस साल मिली है। जरूरी नहीं कि इस साल से रिलेटेड है या नहीं, मुझे अगर मिल गई है तो मैं लिख दूंगा, मैंने पे कर दिए तो मैं लिख दूंगा। तो एक बात ध्यान रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट इज ऑल अबाउट कि आपने कितना पे किया है और आपको कितना मिला है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। इज इट क्लियर एवरीवन? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो,
जो मिलेगा जो पे करे हो सिर्फ वही आएगा, रिलेटेड का यहां कोई काम ताम नहीं है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। चलो भाई यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग ये तो बहुत आसान है भाई, स्टार्टिंग होती है इसकी कैश और बैंक बैलेंस से कि भैया आपके बैंक में कितना बैलेंस है, भैया आपके पास कैश कितनी है स्टार्टिंग में, साल की स्टार्टिंग में मतलब 1 अप्रैल को, ठीक, और एट द एंड मतलब 31 मार्च को कितना आपके पास पैसा है, कितना आपके बैंक में पैसा है वो यहां पर लिखा जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन के नाम पर, और यहां पर स्टार्टिंग में लिखा जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है, ओके आगे बढ़ते हैं भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम सबकी सबसे बड़ी समस्या की कौन सी चीज क्या है, और रेवेन्यू नेचर की है कि कैपिटल नेचर की। चलो तो स्टार्ट करते हैं विद द रिसिप्ट साइड। देखो एक बात ध्यान से समझ लो, मैं ना एक बार थोड़ा दिमाग लगा रहा हूं इसमें, जो भी रेवेन्यू नेचर की चीजें होंगी उस पर मैं ग्रीन निशान मारूंगा, ठीक है, और फिर तुम उसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि तुम्हारे पास हमेशा सेव रहे, ठीक है, कि कौन सा आपका रेवेन्यू नेचर के आइटम है इसमें से और कौन से कैपिटल नेचर के। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ऑल अबाउट व्हाट, इसमें तो सब आता है, क्योंकि इस साल जो मिला है और साल जो पे किया वो तो सब आता है इसमें, ठीक है। चलो तो अब यहां पर एक एक करके हम देखते हैं कि कौन सा रेवेन्यू नेचर का और कौन सा कैपिटल नेचर का। हां जी लेट्स स्टार्ट विद सब्सक्रिप्शन, जल्दी बोलो। हां जी सब्सक्रिप्शन 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 सब्सक्रिप्शन। वैसे यार मैं एक एक तुमसे पूछता रहूंगा ना तो सदियां सदियों हो जाएंगे, बट स्टिल एक तो पूछ ही सकता हूं। रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल, वेरी गुड, ओके। सब्सक्रिप्शन इज रिलेटेड टू रेवेन्यू नेचर, ठीक, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर का होता है, मीनिंग में सुनते जाओ और देखते जाओ कि कौन से नेचर का है। सब्सक्रिप्शन मतलब महीने वार महीने आपको कितना पैसा या साल दर साल आपको कितना पैसा देना पड़ता है। Amazon Prime सब्सक्रिप्शन, Unacademy का सब्सक्रिप्शन, राइट, Netflix का सब्सक्रिप्शन, Gaana.com का सब्सक्रिप्शन। आप क्या करते हो, 3 महीने का पेमेंट दे दिए, 6 महीने का पेमेंट दे दिया, या फिर 1 साल का पेमेंट दे दिया, राइट। तो ये सारे ही तो सब्सक्रिप्शन होते ना, आपको मेंबरशिप लेनी है भाई। अगर मैंने 1 महीने 1 साल का दिया मतलब 1 साल तक मैं वहां का मेंबर हूं, राइट। तो यहां पर ये आपका रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि ये साल दर साल आपको मतलब एनपीओ की नजरों से देखो, एनपीओ की नजरों से एनपीओ को साल दर साल ये मिलते रहता है। एनपीओ के लिए तो रिसिप्ट है, जैसे मान लो कोई एनपीओ है उसका मुझे मेंबर बनना है, भैया मेरे को मेंबर बना लो ना प्लीज, पैसे दो, सब्सक्रिप्शन मैन सब्सक्रिप्शन, ऐसे समझ रहे हो। तो एनपीओ ऐसा नहीं कि वो सब्सक्रिप्शन लोभ के लिए मांग रहे हैं, नहीं, अब भाई वो भी समाज सेवा कर रहे हैं यार, मेंबर बनाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा तो ले लेंगे ना यार, राइट। चलो जनरल डोनेशन रेवेन्यू नेचर की, ध्यान रखो जितनी भी नॉर्मल चीजें होती हैं जनरल सामान्य तरीके की डोनेशन, एनपीओ के पास कोई आया लो भाई मेरे तरफ से 2000 रुपए, दिस इज डोनेशन, राइट। सेल ऑफ न्यूज़पेपर और वेस्ट मटेरियल या पेरियोडिकल्स, मतलब वो रद्दी वाले और ये जो दुनिया भर की मैगजीन्स होती हैं, अगर मैंने बेच दिया पुरानी पड़ी थी पूरा इकट्ठा बंडल में बेच दिया, वो क्या लाएगा आपका, सेल ऑफ न्यूज़पेपर और वेस्ट मटेरियल में आएगा। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ऑब्वियसली बात है आप पुराना ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब जिसकी कोई बुक वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसको आप बेच रहे हो तो रेवेन्यू नेचर का है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रेवेन्यू नेचर का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सामान्य रद्दी ले लो, गुड वेरी गुड, ओके। इंटरेस्ट या डिविडेंड ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट, हाँ जी इसका बताओ तुम, वैसे तुम क्या बताओगे मैं बता देता हूं। ये जो आपका होगा ये एक ही है, हाँ ये एक ही लाइन है, पता चल रहा तुम बोलो ये अलग अलग, एक ही लाइन है ये, ठीक है, हाँ ये आएगा आपका रेवेन्यू नेचर का। लॉकर रेंट रेवेन्यू नेचर का, सेल ऑफ स्क्रैप रेवेन्यू नेचर का, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, इसका मतलब सुनो तुमको याद है तारक मेहता का उल्टा, जिसमें हमें जब उनको स्कूल से मिला था कि आप अंधे बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करके लाओ, तो जो टप्पू लोग हैं उन्होंने क्या किया था अपनी सोसाइटी में, एक वो किया था चैरिटी शो किया था, याद है याद है याद है, तो वो कहलाता है चैरिटी शो, उससे जो भी प्रोसीड हुई वो, ठीक है। ऐसे मिसलेनियस और दूसरी दूसरी रिसिप्ट, ठीक। ग्रांट इन एड या गवर्नमेंट ग्रांट, ध्यान रखना जब कोई जानकारी नहीं रहती तो गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू मानी जाती है, ठीक है। लेगेसी जब कोई जानकारी नहीं होती तो रेवेन्यू मानी जाती है, ठीक। और जब इसमें लिखा हो स्पेसिफिक, जब इसमें लिखा हो एस, ठीक है, जब इसमें लिखा हो स्पेसिफिक तो ये क्या माना जाता है, ये माना जाता है, जल्दी बोलो, जब लिखा हो कि भाई स्पेसिफिक लेगेसी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था मैंने, कौन सा याद आ रहा है, दो मिनट, हाँ आलू टमाटर प्याज, शाही पनीर के लिए अगर यूज करना है तो आप इसको बोलोगे कि स्पेसिफिक है, ठीक है। और अगर नॉर्मली दे दिया मरने मरते जा रहा था आलू टमाटर प्याज,
मेरा आप तुम्हारा हो गया, दिस इज नॉर्मल, यहां पर आप वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वरना फिर ये क्या लाएगी, क्या स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कहलाएगी, ठीक। स्पेसिफिक डोनेशन तो भाई पहले ही बोल दिया, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल नेचर का है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, जो पूरा पैसा आएगा वो कौन सा नेचर का, कैपिटल नेचर का। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कैपिटल नेचर की। लाइफ मेंबरशिप फी, कैपिटल नेचर की, क्योंकि ध्यान रखना अगर मान लो नेटफ्लिक्स वाला आए तुम्हारे पास, मतलब एडवर्टाइजमेंट करे कि तुमको अगर जीवन भर के लिए नेटफ्लिक्स फ्री में चाहिए तो 5,000 रुपए दे दो, रफा दफा हिसाब। दिस इज वॉट एग्जैक्टली द लाइफ मेंबरशिप फी इज। अगर मुझे किसी एनपीओ का हिस्सा बनना है तो मैं एनपीओ का हिस्सा बनना हमेशा के लिए, तो बोलेगा एक काम कर, हमारे पास एक बहुत अच्छी स्कीम है, 25 दिन में पैसा डबल, वैसी वाली नहीं। यहां पर स्कीम ऐसी है कि ये जो साल साल तुझे पैसे देने पड़ते हैं सब्सक्रिप्शन के नाम पर, वो तू को नहीं देगा। एक काम कर, इकट्ठा पैसा दे दे, हम एक वैल्यू बता देते हैं, वो अगर तूने दे दिया तो जिंदगी सफल तेरी, जीवन भर के लिए तो हमारा मेंबर, ठीक है। तो ये कहलाती लाइफ मेंबरशिप फी। अब आता है एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी समथिंग वेरी डिफरेंट। एंट्रेंस फी की अगर मैं बात करूं तो भैया यहां पर इसको लेके तो दो दलों के बीच में लड़ाइयां भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं बात करूं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, सीबीएसई, तो सीबीएसई का कहना है कि एंट्रेंस फी इज वॉट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, ठीक है। ये आपका रेवेन्यू नेचर का, ऐसा कौन कहता है भाई, सीबीएसई कहता है कि रेवेन्यू नेचर का है, और एनसीईआरटी कहती है कि कैपिटल नेचर का, लेकिन हम इसको मानेंगे कौन सा, रेवेन्यूज मानेंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि एंट्रेंस फी नॉर्मली कंसीडर की जाती है कि एक एनपीओ में एडमिशन हर साल होता है, रिकरिंग नेचर की होती है, इसलिए ये मानी जाती है क्या, रेवेन्यू नेचर की। आगे बढ़े, ओके, रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ, ओके, ये तो भाई स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, भाई आपके स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा मिल रहा है तो ये आपका आ जाएगा कहां पे, कैपिटल नेचर, राइट। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी कैपिटल नेचर का है, क्योंकि ये उसी फंड में ऐड होगा, इसका भी मैं बताऊंगा आगे क्या सीन है। चलो, अब ज्यादा देर नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है मैं भावनाओं में बह जाता हूं और लेट हो जाता हूं, वन शॉट तो छोड़ो, 10 शॉट भी कर लेंगे कोई चैप्टर खत्म नहीं होना, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट। चलो, वेजेस एंड सैलरी, रेवेन्यू रेंट, रेवेन्यू रेंट एंड टैक्सेस, रेवेन्यू इंश्योरेंस रेवेन्यू, ये रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, संडे एक्सपेंसेस रेवेन्यू, टेलीफोन चार्जेस रेवेन्यू, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस रेवेन्यू, ऑडिट फी हर साल, ऑडिटिंग हर साल होती है, ऑनरेरियम, इसका मतलब तो तुमको मतलब पागल हो जाते हो कभी कभी, बट इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है शॉर्ट सा, तो आई थिंक वो सबने देखा होगा। ऑनरेरियम मतलब ये कि जब कोई आपके यहाँ पर गेस्ट आता है तो उन परम पूजनीय को आप जो हाथ जोड़कर पैर पड़कर पैसे देते हैं कि जनाब आप आए, बहुत बहुत बड़ा एहसान आपका, दिस इज वॉट एग्जैक्टली द ऑनरेरियम इज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑनरेरियम हो गया क्लियर। अब बात करते हैं रिपेयर एंड रिन्यूअल की, तो भाई ये तो बड़ा आसान है, अपकीप ऑफ ग्राउंड, मतलब जो स्टेडियम का जो ग्राउंड है उसमें तुम थोड़ी बहुत काम करा रहे हो अच्छा करने के लिए, तो दिस इज वॉट एग्जैक्टली द अपकीप ऑफ ग्राउंड। कन्वेंस, अब इतनी अंग्रेजी तुम्हारे भाई को आती नहीं, पर तुम्हारा भाई डिक्शनरी देख के आया है, कन्वेंस का मतलब होता है जो भाड़ा होता है वो, ठीक है। अब सवाल ये आता है एनपीओ भाड़ा कैसे देगा, जैसे मान लो कोई मेंबर है उसको कोई भराई का काम किसी दूसरे शहर में करना है, तो एनपीओ बोले एक काम का पेट्रोल का खर्चा ले लियो, या भाड़ा ले लियो आने जाने का, किराया ले लियो, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द कन्वेंस चार्जेस आर। चलिए, अब बात करते हैं न्यूज़पेपर और पेरियोडिकल्स की, तो भैया ये तो बड़ा आसान है, अगर तुम्हारे एनपीओ में दैनिक भास्कर, नई दुनिया, नव भारत, द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स ऐसे पेपर आ रहे हैं तो मुफ्त में तो तुमको दे नहीं रहे होंगे, तुम्हें तो पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए वो भी रेवेन्यू नेचर का कहलाएगा। परचेस ऑफ एसेट, जब तुम एसेट खरीदते हो तो भैया एसेट तो रेवेन्यू नेचर की को नहीं होवे, एसेट होती है अपनी कौन सी नेचर की, कैपिटल रेशियो की, राइट, ओके। आगे बढ़ते हैं, वहीं अगर मैं बात करूं परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली बात है एसेट आप खरीद रहे, दैट्स इट। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का समराइज्ड वे, कि भैया कौन सा रेवेन्यू कौन सा कैपिटल। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से बेहतरीन तरीके से, और मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए बेहतरीन वाली। चलो फटाफट ले लो, समझ आया भैया, आप रोज लाइव आया करो। नहीं ब्रो, मैं रोज लाइव नहीं आ सकता, मजबूरी का नाम यार, ये पोज वोज देना मुझे नहीं आता, राइट, तुमको जैसे लेना तुम ले लो, ये तुम्हारे काम का है इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हो गया आगे बढ़े, चलो फटाफट से आगे बढ़ते भाया, और अब बात करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से सुनना,
ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है वो हम जानेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नहीं मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूं हर्ष, कभी कभी मैं देख नहीं पाता हूं, मेरी आंखों की वो सुनी तुमने शायरी आजकल वो रील्स पे बहुत चल रही है, मैंने उसे उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था, समझ रहे हो? तो मतलब मैं देख तो रहा हूं, देखते जा रहा हूं, पर फिर भी नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि मैं जितना देख पा रहा हूं मैं उतना ही देख पा रहा हूं। बूम यार, लिटरली ये मैंने बनाई है यार, इंस्टेंट, कैन यू इमेजिन दैट? लिटरली आई वॉन्ट दिस रिकॉर्डिंग, मैं मेरे घर वालों को दिखाऊंगा कि तुम्हारा बेटा कितना, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं यार, मतलब दिल खुश हो गया मेरा, ऐसा लग रहा है किक आ गई है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो बस 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 अब इतना खास भी नहीं। चलो आगे बढ़ते भैया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सबसे पहले तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से समझना। रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होता है, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होता है, रिसिप्ट जो भी स्पेलिंग हो भैया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से तुम दो चीजें बनाते हो, एक होती है क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत दिन से तुम मेरी गंदी राइटिंग को मिस कर रहे होगे ना, फाइनली आई एम बैक विद माई बैड राइटिंग बैलेंस शीट। चलो तो बेसिकली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हो और बैलेंस शीट बनाते हो, और ऑब्वियस सी बात है कि यहां तो रेवेन्यू नेचर की चीजें भी होती हैं और कैपिटल नेचर की भी चीजें होती हैं, तो आप जो रेवेन्यू नेचर की चीजें होती हैं वो लिखते हो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो कैपिटल नेचर की चीजें होती हैं उनको आप लिखते हो कहां पर, बैलेंस शीट में, लिखी जाती है कैपिटल नेचर की चीजें। अब सवाल यह आता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में, हाँ चलो हम मान लिया कि रेवेन्यू नेचर के आइटम लिखते हैं, बता भी दिया कि कौन से आइटम होते हैं, लेकिन फिर भी जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हमें सरप्लस निकालने में या डिफिसिट निकालने में काफी ज्यादा पीड़ा, तकलीफ, परेशानी, स्यापा होता है, राइट? तो स्यापा ना हो उसके लिए आज मैं एक मस्त चीज लेकर आया हूं, एक कोड, जैसे एक बार याद है मैं वो लेके आया था क्यूट कैट स्टैंडर्ड ऑफ सिद्धांत, ऐसा एक कोड लेकर आया हूं, एक चेक है, ऑफिशियल चेक, एडिशनल ऑडियो पीएल, ये तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये क्या है एग्जैक्टली, ये थोड़े क्षण बाद, कुछ मिनटों बाद तुम्हें पता चल जाएगा, राइट? स्टार्ट करते, देखो बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एक बार ध्यान रखना, अगर तुम्हें तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सही करना है कभी भी, तो तुम्हें यह चीज बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि रेवेन्यू नेचर और करंट ईयर, दीज आर द टू डिफरेंट की, समझ रहे हो? एक ताले की एक ही चाबी होती है, राइट? बट एक ऐसा ताला है जिसकी दो चाबियां हैं, रेवेन्यू नेचर और करंट ईयर। कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ तो कीप दिस इन योर माइंड दैट रेवेन्यू नेचर और करंट ईयर, ये दो चीजें ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखी जाती है। करंट ईयर से रिलेटेड ध्यान रखना, करंट ईयर में मिला या दिया नहीं, करंट ईयर से रिलेटेड चीजें, मतलब रेवेन्यू नेचर की चीजें और करंट ईयर से रिलेटेड चीजें आती हैं। इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भाई है। इसका बनाने का मकसद बस इतना सा होता है कि साल भर में आपके एनपीओ ने रेवेन्यू नेचर वाइज देखा जाए तो कितना अच्छा परफॉर्म किया है, राइट? सरप्लस पर है या डिफिसिट पर है, पता चल रहा है कि तुम चलाते जा रहे हो एनपीओ, चलाते जा रहे हो, 5 साल बाद 9 बात आए, यार पैसा ही नहीं, अब कहाँ चला रहे, ओह माय गॉड, ये कौन सी भाषा बोल दिया मैंने, अब क्या ही चला ले, राइट? सो बेसिकली यहां पर इसीलिए जो एनपीओ होती है हर साल एक अकाउंट बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें इनकम्स और एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द करंट ईयर देखे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और ओके अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने तुम्हें सारी चीजें बताई कि भाई कौन सी चीजें कौन से नेचर की होती हैं, ये सारी ग्रीन वाली चीजें जो है ना, जितनी भी ग्रीन चीजें तुमको दिख रही हैं, ये सारी तुम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे, ठीक? जो भी आपका इनकम है उसको इनकम, और जो भी आपका एक्सपेंडिचर उसको एक्सपेंडिचर। अब इसके बाद क्या प्रॉब्लम होती है, वो सबसे बड़ा सवाल है। एक बात ध्यान रखना, तुम सारी चीज लिख लोगे, लॉकर रेंट से लेकर रेंट एंड टैक्सेस से लेकर सारी चीजें, पर प्रॉब्लम क्या करेगा वो सुनो। प्रॉब्लम इसमें हमेशा करती हैं कुछ चीजें जिसका नाम है मटेरियल यूज्ड,
सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, और अगर मैं बात करूं कुछ एक्सपेंसेस की, लाइक सैलरी वगैरह या फिर मैच एक्सपेंसेस वगैरह, कुछ एक्सपेंसेस, ये ऐसी चीजें होती हैं जिनको नॉर्मली तुम नहीं लिख सकते। जैसे मान लो मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन लिखा है वो मैं यहां पर डायरेक्ट नहीं उतार सकता। क्यों नहीं उतार सकता? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है ये जो हम जितने भी तामझाम करते हैं कि भैया आउटस्टैंडिंग को ऐड, इसको माइनस, उसको ऐड, ये सिर्फ एक कारण है इसका, सिर्फ एक कारण। उस कारण को दिमाग में रखना, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम यू सॉल्व होंगी। समझ गए? वो बात ये है कि वी ऑलवेज वॉन्ट, दो मिनट इसको छोड़े, वी ऑलवेज वॉन्ट करंट ईयर में जो मिला है या दिया है उससे आना करंट ईयर से रिलेटेड पर, करंट ईयर से रिलेटेड पर। समझ रहे हो? आपका जो सब्सक्रिप्शन है जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया होता है, वो होता है कि भाई करंट ईयर में जो मिला है, लेकिन आपको कौन सा चाहिए? करंट ईयर से रिलेटेड। क्योंकि अभी मैंने बताया, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो ना, तब आपको जो चीज की जरूरत होती है वो होती है बस करंट ईयर, करंट ईयर, करंट ईयर कहाँ है। मतलब आजकल तुमको पता होगा, तुमने मूवीज देखी होंगी, मान लो किसी को वो नहीं मिलती है कुछ, आजकल कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका सेवन करने पर और मन करता है कि सेवन किया जाए, होते हैं कुछ ऐसे पदार्थ, राइट? होते हैं ना। तो बेसिकली, ओ चैट मत करो, सबर रख लो थोड़ी, हाँ, होते कुछ ऐसे पदार्थ, राइट? तो वैसे ही जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, उसको भी एक तलब लगी हुई है। समझ रहे हो? मतलब ही इज एडिक्टेड अ लॉट विद व्हाट? किस चीज का नशा करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? जल्दी कम ऑन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस चीज का नशा करता है? आज सब बताएंगे, एक साथ बताएंगे, जल्दी बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस चीज का नशा करता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर का नशा करता है। उसको करंट ईयर के अलावा कोई चीज भाती नहीं है। समझ रहे हो? सिर्फ करंट ईयर का नशा करता है। तो हमारा हमेशा मकसद ये होगा, भले ही तुम सब्सक्रिप्शन निकालो, तुम कंजप्शन निकालो, या तुम कुछ और निकालो, सैलरी निकालो, रेंट निकालो, दुनिया भर का कुछ भी निकालो, पर मकसद सिर्फ एक होगा, वो होगा करंट ईयर। बिकॉज हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बड़ा नल्ला आदमी है, उसे चाहिए सिर्फ करंट ईयर नाम की ड्रग्स। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम जितने भी कैलकुलेशन करेंगे, सब में हम आएंगे करंट ईयर से रिलेटेड चीजों में। देखो, जैसे मान लो इस साल मैंने किसी को 10 करोड़ रुपए दिया सैलरी के, ठीक है, 10 करोड़ रुपए दिया उस व्यक्ति को जिसकी साल की सैलरी 10,000 रुपए थी। मतलब मैंने उसको 2-4 जन्म का एडवांस में दे दिया पैसा, राइट? लेकिन मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर मतलब 10,000 ही लिखूंगा, भले ही मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 10 करोड़ क्यों ना बता रहा हूं, ठीक है? और 7 जन्म तक हर साल मैं 10,000 लिखता रहूंगा, क्योंकि मैं कर रहा हूं क्या का नशा? करंट ईयर का नशा, राइट? चलो तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब बेसिकली कैलकुलेशन भी फटाफट से सीख लेते हैं। यहां पर बहुत ध्यान से समझना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी आपने पे करी है, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो दी है 20,000, ठीक? सैलरी पेड 20,000 है। अब अगर मैं बोलूं कि आउट ऑफ दिस 1,000 इज रिलेटेड, 1,000 इज रिलेटेड, 1,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर 1,000 रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, मान लो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 1,030 में, और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड 3,000 थी, ये आपको जानकारी की मैंने। और हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो तो कर रहा है करंट ईयर का नशा, तो करंट ईयर से रिलेटेड चीजें बस आपको लिखनी है, राइट? बताओ जल्दी से कितने लिखेंगे। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड कुणाल, महक, बिल्कुल सही मुस्कान, अदिति, आस्था, हम लिखेंगे 16,000। क्यों लिखेंगे 16,000? हमने पे इतनी की है, माना करंट ईयर में पे इतनी की, लेकिन हमको पे करने से क्या मतलब? हमको तो चाहिए करंट ईयर से रिलेटेड, राइट? 20,000 में से 1,000 तो कब की है भैया? पिछले साल की दिए, 3,000 तो आने वाले साल की दिए, तो दोनों को हटा दो क्योंकि दोनों करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। समझ लो, मतलब एक थाली है उसमें है गेहूं
पर मुझे खानी है गेहूं, राइट। और लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें गेहूं के साथ साथ चावल भी है और दाल भी है। मैं क्या करूंगा, दाल को अलग करूंगा, चावल को अलग करूंगा, गेहूं को चबा जाऊंगा पूरी एकदम बेहतरीन तरीके से, समझ रहे हो। तो यहां पर हमें चाहिए करंट ईयर से रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का होगा उसकी जरूरत हमें नहीं है, राइट। तो ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था। अब एक थोड़ा ऑफिशियल कैलकुलेशन लाते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड, एट द, यार मुझे लग रहा है जिस स्पीड से अपन चल रहे हैं उस स्पीड से पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट यार, क्योंकि मैं को ऐसा ये जल्दी जल्दी पढ़ाना नहीं आता, सच सच बताऊं तो। मैं बोलूं एक बार में तुम डकार जाओ सारी चीजें बेहतरीन तरीके से, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। चलेंगे बढ़िया तरीके से, सुनो। हाँ, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है मान लो सैलरी 16,000, ठीक। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग मान लो है 10,000, 10,000। सैलरी पेड, सैलरी पेड है कितनी, मान लो तुमने सैलरी पे करी है 20,000, आउट ऑफ विच मान लेते हैं आउट ऑफ विच 4,000 इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, 4,000 इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, ठीक है भैया। अब इसको कैसे करें, हमें चाहिए करंट ईयर, क्योंकि हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्यासा बिल्कुल पागल हो रहा है कि हमें खाना ही चाहिए बस करंट ईयर। सुनो मेरी बात, साल के अंत में 16,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, ठीक है, साल की स्टार्टिंग में 10,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, ठीक है। सैलरी हमने जो साल भर में पे करी वो है 20,000 रुपए, जिसमें से 4,000 रुपए पिछले साल से रिलेटेड थे, ठीक है। बताओ भाई, जल्दी 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 कितने रुपए लिखोगे तुम और क्यों लिखोगे, मैं बताऊं या तुम बता रहे हो। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड वंशिका, तनिषा, गुड जतिन, मनु, देखो भाई तुम लोग तो कर रहे हो बट मुझे भी तो करने दो। देखो यहां पर बात ऐसी है कि हमको चाहिए करंट ईयर, तुमको भूल जाओ सारे फॉर्मूले, आज अगर तुम यहां पे हो इस क्लास में हो तो भूल जाओ सारे फॉर्मूले, हमें देसी आदमी देसी जुगाड़ से करेंगे। सुनो मेरी बात, साल भर में हमने 20,000 रुपए पे किए, ठीक, 20,000 रुपए हमने पे किए हैं पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक। इसमें से आप ये देखो कि करंट ईयर से रिलेटेड कौन सी नहीं है, ध्यान से देखना जरा आप यहां पर कि जो 4,000 है वो कब से रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है ये तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, मतलब 4,000 रुपए तो नहीं आने चाहिए, मतलब करंट ईयर से रिलेटेड जो पे करी है वो है 16,000 रुपए, पहली चीज, ठीक। मतलब ऑब्वियस सी बात है ना कि 20,000 जो पे करे उसमें से 4 तो पिछले साल की है, तो 16,000 रुपए जो है वो हम कह सकते हैं कि हमने पे करी है इस ईयर से रिलेटेड। लेकिन एक सवाल और है, जरूरी थोड़ी है कि तुमने पूरी पे कर दी होगी, हो सकता है अभी भी कुछ पैसा करंट ईयर से रिलेटेड बाकी हो और हमें तो चाहिए करंट ईयर से रिलेटेड, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा भाया कोई करंट ईयर से रिलेटेड पैसा बाकी तो कोनी, वो देखो। जब हमने एट द एंड देखा तो बोल रहा है कि भैया 16,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, बट एक बात ध्यान रखना, ये है तुम्हारा बैलेंस एट द एंड का, समझ रहे हो, बहुत ध्यान समझना इसको, 16,000 आपका बैलेंस है एट द एंड का। आपको ये देखना है कि इस 16,000 में से करंट ईयर वाला कितना आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि ये तो टोटल है, बैलेंस है मतलब। फिर तुम गए इतिहास में, तुमने देखा कि भाई 10,000 तो पुराना था, ठीक, 10,000 जो पुराना था उसमें से 4,000 तुमको मिल चुका था। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि 10 में से जो 4 है, जो 10 पुराना था उसमें से 4 मिल गया, मतलब पुराना वाला अभी भी कितना मिलना बाकी है, 6,000। पुराना वाला अभी भी कितना मिलना बाकी है, 6,000 मिलना बाकी है। जो 16,000 रुपए हैं जो कि एट द एंड वाले तो बैलेंस है, इन 16,000 में जो 6,000 रुपया है वो कौन सा है, पिछले साल का, मतलब करंट ईयर से रिलेटेड अभी आउटस्टैंडिंग और कितनी है, 10,000। तो 10,000 तुम यहां पर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो कायदे से 26 आना चाहिए। मैंने गलती कर दी क्या, तुम तो 22 बोल रहे थे, जल्दी बोलो, हां जी समझ में आ रही हैं चीजें, एक बार फिर से करूं, जल्दी 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 फिर से रिपीट करना है इसको,
फिर से रिपीट करना, जिन जिनको लग रहा है कि फिर से रिपीट करना, आई विल आई एम एग्री टू रिपीट, फिर से कर देता हूं। चलो देखो भाई, सिंपल सा फंडा है कि एक फॉर्मूला लगाना है बस तुम्हें, ठीक है, एक फॉर्मूला लगाना है, मैं बता देता हूं। सैलरी पेड जितनी भी है उसमें तुम्हें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू करंट ईयर, ठीक है, और माइनस करना है आउटस्टैंडिंग पेड दिस ईयर। बस इतना सा काम तुम्हें करना है। टोटल तुमने क्या किया है, टोटल तुमने सैलरी पे की कितनी, 20,000, हमने भी 20,000 पे किया है। इसमें से आउटस्टैंडिंग पेड दिस ईयर कितना है आपको वो देखना है, पिछले साल का कितना बाकी था जो आपने इस साल पे किया, ठीक है। बैलेंस नहीं लिख रहा, ये नया फॉर्मूला है, बैलेंस भूल जाओ वाले फॉर्मूले को, ठीक है। क्या आउटस्टैंडिंग पेड दिस ईयर, वो बकाया पैसा जो कि आपने इस साल पे किया, कितना है भाई जल्दी बोलो कितना आएगा। हाँ जी, कितना माइनस करूं मैं आउटस्टैंडिंग पेड दिस ईयर, जल्दी, आउटस्टैंडिंग पेड दिस ईयर कितना होगा, कितना पे किया, ये कमेंट क्यों नहीं दिख रहा मुझे। ओके, 4,000, बिल्कुल सही। 4,000 क्या है, वो पैसा जो कि मैंने इस साल पे किया है, ठीक, वो मैंने माइनस कर दिया। अब मुझे ऐड करना है क्या, करंट ईयर से रिलेटेड बाकी जो अभी भी क्या है, स्टिल ड्यू है। मैं क्या करूंगा, पुराने पूरे बैलेंस को देखूंगा, 16,000 टोटल बैलेंस, ठीक, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि पूरा 16,000 यहां पर आए, नहीं ना, पॉसिबल जरूरी तो नहीं है। तो इसमें से तुमको ये देखना है कि करंट ईयर से रिलेटेड कितना है, तो पहले ये देख लो कि पुराना वाला कितना था, पुराना 10 था। कई लोग क्या कर रहे हैं, 16 में से डायरेक्ट 10 घटा दिए, नहीं, 10 आपका पुराना था, इसमें से 4 तो तुमको मिल गए, बचे कितने, 6, राइट, 6,000 बचा। ये जो 6,000 रुपया है ये अभी भी बाकी है मिलना, पिछले, मतलब समझ रहे हो ना, पिछले साल से रिलेटेड, तो टोटल में से माइनस कर दो, कितना आ गया, 10,000 आ गया, तो ये 10,000 आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि 10,000 क्या कहलाएगा, करंट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग कहलाएगा, ठीक। तो ऐसे करके आपका आंसर जाएगा 26,000। इसके मैं और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आज फिलहाल कॉन्सेप्ट तुमको समझना है। आगे बढ़े, जल्दी बोलो, आगे बढ़े फटाफट से, क्लियर हुआ ये, 10,000 कैसे आया, देखो भाई, आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग पे कितना था, यार ये तो मतलब बदला ले रहे हैं, बताओ कौन फोन कर रहा है, एनीवन, कौन फोन कर रहा है बदला लेने के लिए, शायद अभी क्लास देख रहे होंगे पर स्टिल बदला लिया जा रहा है मेरे से, बिल्कुल सही, गौरव सर 2 बार फोन कर चुके हैं, आई थिंक वो बदला ले रहे हैं। चलो मैं वापस आता हूं, देखो भाई सीधा सा फंडा है, 10,000 आपका क्या था, पिछले साल का बाकी था, हमारे पास है 16,000 इस साल, मतलब रुको यार मैं इसको बिल्कुल क्लियर करूं पहले, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, जो 16,000 है ना वो एट द एंड है, ठीक, और जो 10,000 था वो एट द बिगनिंग था, साल की स्टार्टिंग पे, ठीक। हमें देखना है कि करंट ईयर से रिलेटेड और कितना आउटस्टैंडिंग है, तो हमको क्या करना है, सीधा सीधा ये देखना है कि पुराना जो बाकी है उसको हटा दो, ये जो 16,000 ये बैलेंस है इसमें से हो सकता है कुछ पुराना होगा तो उसको हटाना है। 10,000 जो था वो पुराना था, लेकिन इसमें से 4 तो मिल गए ना, तो पुराना बाकी वाला कितना बचा, 6 बचा, तो 16 में से 6 पुराना है, बचा 10 जो कि करंट ईयर का है। होप इज इट क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, वरना तुम सब बोर हो जाओगे, बहुत सारे लोग बोर होके भाग चुके मुझे पता है। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड अब मैं बात करता हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि लिटरली बहुत ज्यादा परेशान करता है। अब इसकी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक, चलो मैं पानी पी लूं थोड़ा सा, एंड आई नो बहुत सारे लोग भाग चुके, एक बार शेयर करके आओ अगर आप चाहो तो। चलो अब एक सीधी सी दरखास्त है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो बेटर कि आप लोग पुरानी सारी बातें भूल जाएं और अब सीरियसली इस टॉपिक को पढ़ें, पुरानी बातों को भूल के। इसका एक फॉर्मूला आपको समझना है, वो है ये, ठीक, आपने अपनी बुक में, देखो एक सच्चाई बता रहा हूं इस टॉपिक की, मैं
इस टॉपिक की सच्चाई ये है कि बुक में अलग फॉर्मूला दिया है, ठीक है, और दिक्कत ये है कि हर क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने के लिए अलग फॉर्मूला यूज किया जाता है। कभी वो बैलेंस को ऐड करता है, कभी वो कैलकुलेट करके कुछ और ऐड करता है, होता ही। मेरे हिसाब से सबको प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि इसको सॉल्व करते टाइम जो बुक है उसमें भी हर बार अलग प्रकार की चीजें बताई जा रही है। कभी वो बैलेंस को ऐड कर देता है तो कभी कुछ और निकाल कर ऐड करता है, होता है। लेकिन आज देखो सीरियसली मुझे पता है कि इस टॉपिक को समझाने के बाद आधे से ज्यादा लोग और भाग जाएंगे, बट जो सीरियसली समझेगा ना उसको समझ में आएगा। मैं एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे इजी से इजी और कठिन से कठिन क्वेश्चन सॉल्व होगा बिना फॉर्मूला चेंज किए, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है कि हम हर बार फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला कि आपको ये फॉर्मूला जो है इसको समझना है कि क्या है। पहले तो दो मिनट, हाँ देखो, सब्सक्रिप्शन ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है वो कौन सा होता है एक बात बताओ। मतलब अभी मैंने एक बात बताया कि करंट ईयर का नशा करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ऑब्वियस सी बात है ना, हमें चाहिए करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन, राइट, ठीक। तो अब आपको ध्यान से समझना होगा कि जितने भी फॉर्मूले हम यूज करते हैं उन सबका इकलौता मकसद होता है, वो ये कि हमें करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन निकालना है। तो आपको क्वेश्चन में हमेशा एक चीज गिवन होती है, वो होता है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल आपको जो भी टोटल सब्सक्रिप्शन मिला वो आपको गिवन रहता है, ठीक। उसमें आपको ऐड करना होता है सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर। ध्यान रखना, करंट ईयर से रिलेटेड जो भी बाकी है मिलना, फिर से सुन लो, करंट ईयर से रिलेटेड जो भी बाकी है मिलना वो आप ऐड करोगे, ठीक है। सिमिलरली आप और ऐड करोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर। अब ये क्या होता है भैया, वो तो हमने को पता चलो कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो सब्सक्रिप्शन जो कि है तो करंट ईयर से रिलेटेड पर आपको एडवांस में मिला था, मतलब पिछले साल एडवांस में मिला हुआ पैसा जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है उसको आप ऐड करोगे। ये दो पॉइंट क्लियर हुए, जल्दी बोलो या सुन लो, कोई भी डाउट हो तो मैं इसको फिर से करूंगा, जल्दी बोलो समझ में आ रहा है। दोनों पॉइंट समझ में आ गए कि हमें करंट ईयर से रिलेटेड जो बाकी है उसको ऐड करना है और पिछले साल जो आपको मिल चुका था। एक बात बताओ, मान लो मेरे को हर महीने सैलरी मिलती है तीन हजार रुपए, ठीक, मुझे इस महीने से 2000 मिली क्योंकि पिछले महीने मुझे 1000 मिल चुकी थी इस महीने की, तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करूंगा? ये 2000 तो मेरा इनकम एंड रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बताएगा कि सिद्धांत को 2000 मिली है, तो क्या मैं 2000 लिख दूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? नहीं, पिछले साल जो एडवांस में मिली होगी करंट ईयर से रिलेटेड, करंट मंथ से रिलेटेड, उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। इसीलिए एडवांस एट द बिगिनिंग ऐड किया जाता है क्योंकि वो जो एडवांस है वो पिछले साल का एडवांस है जो कि माना जाता है कि क्या है, करंट ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़े अब, चलो इसके बाद हम आते हैं नीचे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिस ईयर। अब आप ही सोचो आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड दिस ईयर इसका मतलब क्या होता है, वो सब्सक्रिप्शन जो बाकी था और इस साल मिल गया। अब बाकी एक बार बताओ जरा, ऐसा तो कुछ होता नहीं ना कि इस साल का बाकी है और इसी साल मिल गया, नहीं। बाकी मतलब क्या, बाकी एंड में देखा जाता है कि बाकी है या नहीं है। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिस ईयर का मतलब पता है क्या है, कि वो सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल बाकी था और इस साल मिल गया, वो सब्सक्रिप्शन जो कि पिछले साल बाकी था और इस साल मिल गया उसको आप माइनस करते हो। बताऊं क्यों? चलो फिर से देखते हैं क्यों। मुझे सैलरी मिली इस साल मान लो 4000, ठीक, जिसमें से जो 1000 रुपए सैलरी थी मुझे पुरानी वाली मिली, मतलब पुरानी मेरी 1000 बाकी होगी वो मुझे मिली है। मैं बोलूं करंट ईयर से रिलेटेड कितनी है बताओ जरा, तो क्या मैं पूरे 4000 लिख दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई 1000 तो पिछले साल से रिलेटेड है ना, भले इस साल मिल गई, 4000 दिखा रहा है कि मिल गई, लेकिन हमको तो घटाना है। क्यों? क्योंकि 1000 तो इस साल से रिलेटेड है ही नहीं और हमें चाहिए क्या, करंट ईयर से रिलेटेड।
समझ में आ रही मेरी बात है? इसको क्यों माइनस किया? इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? सारे बोलेंगे, जल्दी बोलो, समझ में आया कि इसको हमने माइनस क्यों किया? ओके, चलो, वेरी गुड। वंशिका, अदिति, मुस्कान, समृद्धि, हर्ष, डेविल, महक, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं गाइज, और अब मैं बात करता हूं एंड वाले की, ठीक है? एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिस ईयर, ये तो जहर काम है। मुझे मान लो इस साल मिल गया 5,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन, वो सैलरी मिली 5,000 रुपए मिल गई। जब सामने वाला मेरा जो मालिक था, जब मुझे 5,000 रुपए सैलरी दे रहा था ना, तब पता है क्या हो रहा था? तब उसने मुझे बोला था कि ये जो 2,000 दे रहा हूं ना सिद्धांत, ये अगले साल के लिए है। ऑब्वियस सी बात है, एडवांस सब्सक्रिप्शन या एडवांस सैलरी मान लो चलो रिसीव्ड दिस ईयर, दिस ईयर, इस साल में लिया एडवांस में, तो इस साल एडवांस, तो एडवांस बोल के इस साल कौन देता है यार, साल का रिलेटेड। ऑब्वियस सी बात है, अगर इस साल आपको कोई बोल रहा है कि एडवांस ले दे रहा हूं पैसा, तो आने वाले साल का होगा ना, तो 2000 को मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, ठीक है? इसलिए यहां पर हम इसको घटाएंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एडवांस में जो मिल रहा है इस साल, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगले साल से रिलेटेड होगा, और हमें चाहिए क्या, हम तो फूक के बैठे करंट ईयर, राइट? मेरी आवाज नीचे तक तो नहीं जा रही होगी, वरना मेरा तो सत्यानाश होने वाला है। 3,000, चलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया फॉर्मूला? फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले तो मुझे ये बताओ, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है कि ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। फॉर्मूला समझ में आया? जल्दी फॉर्मूला समझ में आया? वेरी गुड। महक, हर्ष, हैकर, गुरजीत, समृद्धि, मुस्कान, वंशिका, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और बातें समझते हैं थ्रू द कैलकुलेशन, ठीक है? चलो अब कुछ और बातें ध्यान समझना, पहले ये है वो बोलते ना कठोर सत्य, व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, ये माना जाएगा कि प्रीवियस ईयर का पूरा आउटस्टैंडिंग इस साल मिल गया। अब एक बात सुनो मेरी, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग बोलता है 10,000 रुपए, बस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंडिंग इंफॉर्मेशन रहती है, खत्म, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तुम ही बताओ, तुम लोग क्या करते हो? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 10,000 रुपए, तुम क्या करते हो, माइनस करते हो कि प्लस करते हो, जल्दी बोलो। वेरी गुड जतिन, अभी बताऊंगा मैं। समृद्धि, डोंट वरी अबाउट दैट। हां जी, क्या करते हैं, प्लस करते हैं माइनस करते हैं, क्या करते हैं? वाह, अरे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग मैन, माइनस करते हो तुम, तुम्हारे बुक में फॉर्मूला देख लो जो लिखा होगा, माइनस लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों से। क्यों करते हैं माइनस? इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग मतलब क्या, पिछले साल का बाकी, और हम ये एज्यूम, सुनो, माइनस पिछले साल का बाकी है, लेकिन इस साल से माइनस क्यों करते हैं पता है? क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि पिछले साल का जो बाकी था वो पूरा इस साल मिला होगा। जब व्हेनेवर देयर इज नो इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, ये अज्यूम किया जाता है कि पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था वो पूरा मिल गया था करंट ईयर में, इसलिए ये जो 10,000 है ना, इसको तुम माइनस करते हो। और इसलिए यहां पर मैं क्या लिखा हूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिस ईयर। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो मैंने क्या माना कि जो पूरा 10,000 रुपए है वो मुझे मिल गया होगा, इसलिए मैंने इस 10,000 को पूरा पूरा माइनस किया। इज इट क्लियर? जल्दी बोलो या सुनो, समझ में आया यहां तक कि? क्लियर है? जल्दी आगे बढ़े। ओके चलो, अब बात करता हूं मैं कुछ और पॉइंट्स की। यहां पर क्या लिखा है, ये भी माना जाएगा कि पिछले साल का पूरा एडवांस इसी साल के लिए था। अच्छा, अब ध्यान से समझना, देखो ये जो है तुम्हारा एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिस ईयर, मतलब ये कि वो सब्सक्रिप्शन जो कि आपको एडवांस में मिला हो इस साल। अब एक बात ध्यान से समझना, दो मिनट, मैंने कुछ और ही पढ़ लिया क्या? दो मिनट, ये भी माना जाएगा कि पिछले साल का पूरा एडवांस, ओके, ये गलत पढ़ लिया मैंने, ओके कोई बात नहीं, ये वाली बात है, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर। देखो आपको कभी कभी क्या बोलता है, एडवांस एट द बिगिनिंग बोलता है, कितना मान लो कि एडवांस एट द बिगिनिंग है 7,000। अब एक बात बताओ, पिछले साल किसी ने आपको एडवांस दिया था, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो आपको अगर 7,000 रुपए दे रहा है तो हो सकता है
कि 5000 इस साल से रिलेटेड हो, 1000 अगले साल से रिलेटेड हो और 1000 अगले के अगले साल से रिलेटेड हो, पॉसिबिलिटी है कि नहीं तुम ही बताओ, है ना। अगर मैं बोलूं कि एडवांस एट द बिगिनिंग, मतलब पिछले साल किसने आपको एडवांस दे रखा था, तो ऑब्वियसली बात है कि इस साल के लिए भी दे सकता है वो एडवांस और आने वाले सालों के लिए भी दे सकता है, क्योंकि एडवांस मतलब आने वाले फ्यूचर में कभी भी के लिए एडवांस, राइट। लेकिन जब कभी भी आपको सिर्फ ऐसा दिया हो कि एडवांस एट द बिगिनिंग और 7000 दे दिया, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आउट ऑफ विच इतना इतना आने वाले साल से रिलेटेड है, तो तुम क्या मानोगे पूरा 7000 कब से रिलेटेड है, रिलेटेड टू द करंट ईयर। इसलिए जब कभी भी तुम देखते होगे ना, तो एडवांस एट द बिगिनिंग मान लो जितना भी दिया है वो पूरा का पूरा ऐड कर लिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जितना भी एडवांस हमारा था साल की स्टार्टिंग में या फिर पिछले साल की एंडिंग में, वो पूरा का पूरा करंट ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए इसको इस तरीके से ऐड किया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई है? सुनो, देखो ये एजम्पशन जो, देखो सीधे सी बात है, एजम्पशन आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो प्रैक्टिस के साथ अपने आप आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वो तरीका है जिससे इजी से इजी और कठिन से कठिन क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा। चलो अब आगे का पॉइंट क्या है, एज एट और एज ऑन इज डिनोटिंग बैलेंस। ये बहुत तगड़ी चीज है, कई लोग इसमें बावले हो जाते हैं। जब कभी भी आपको एज एट या एज ऑन दिया हो, ऐसा बोलता है ना कि सब्सक्रिप्शन एज एट 31st March 2019 या सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st March 2019, तो ये माना मतलब ये इसका मतलब पता है क्या होता है, दे आर शोइंग द बैलेंस, बैलेंस बता रहा है कि कितना बैलेंस है उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, समझ गए। वही अगर मैं बात करूं यहां पर बोल दे कि फॉर द ईयर, फॉर द ईयर मतलब ये कि ये जो आपको फिगर बता रहा है, जो भी फिगर बता रहा है, ये बैलेंस नहीं है, ये आपको इसी पर्टिकुलर साल से रिलेटेड बता रहा है। समझ में आ रही मेरी बात है? हम ज्यादातर इसी में कंफ्यूज होते हैं, या तो फॉर द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर, फॉर द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर बोले तो आपको हमेशा यह बात ध्यान रखनी है कि जिस ईयर की बात वो कर रहा है ये उसी ईयर का है, समझ रहे हो, ये उसी ईयर का है। और वहीं अगर आपको एज एट या एज ऑन बोल दिया तो भाई साहब यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज वहां पर वो बात कर रहा है बैलेंस की। समझ में आई मेरी बातें? जल्दी बोलो, इज इट क्लियर? देखो फॉर द ईयर मतलब इस साल का नहीं, ये इसको मिसअंडरस्टूड मत करो। फॉर द ईयर 31st March 2019 मतलब इस साल, इस इसी से रिलेटेड जो लिखा है उससे, ठीक है। अब मान लो बोले कि भैया फॉर द ईयर 2018 या फॉर द ईयर 2020 जो भी हो, तो जो भी लिखा है साल उससे रिलेटेड, अब करंट ईयर का मत मानने लग जाना उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ, ये भी बता दिया, यहां पे लिख लो एक और चीज कि फॉर द ईयर और ड्यूरिंग द ईयर की भी बात हो रही है, राइट। चलो आगे बढ़े, यहां तक के सबको क्लियर हो गया सारी चीजें? जल्दी बोलो यस और नो। ये की है ध्यान रखना, ऊपर के दो में रिलेटेड रिलेटेड, नीचे के दो में रिसीव्ड रिसीव्ड, ठीक है। रिलेटेड टू करंट ईयर, रिलेटेड टू करंट ईयर, रिसीव्ड दिस ईयर, रिसीव्ड दिस ईयर, ये तुमको थोड़ा सा दिमाग में अपने रखना पड़ेगा। एक बार जितने भी लोग हैं सारे कमेंट करके बताओ कौन कौन है, बता दो, चले क्लियर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। मुस्कान, हैकर, अदिति, मनु, समृद्धि, ध्रुव, ओ भाई एक घंटा हो गया, चलो कोई ना। हर, जतिन, वंशिका, कुणाल, ध्रुव, महक, अर्षिता, डेविल, अभिषेक, सुमन, प्रीत, मधु, मयंक, ओके, नेहा एंड ओके, हाँ ठीक है। चलो अभी भी बहुत सारे लोग कमेंट कर, ओके गजल भी है, ग्रेट। चलो तो आगे बढ़ने आया अगले प्रश्न, ओ अब एक क्वेश्चन करते हैं, राइट, क्वेश्चन करें। सुनो क्वेश्चन समझना इसका, सचिन सर भी है क्या, क्या बात है सचिन सर। चलो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 21 लाख। मतलब अगर मैं बोलूं सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल फॉर्मूला वाइज कर रहा हूं मैं इसको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, मैं ना जानबूझ के सब्सक्रिप्शन में टाइम लगा रहा हूं, पता है क्यों, क्योंकि जब मैंने फॉर्म फिल कराया था तो लगभग 70-80% लोगों का कहना था कि हमको सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम होती है,
ठीक है, सिर्फ इसलिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 21 लाख। मतलब 21 लाख रुपए जो है वो आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है। और हमको चाहिए क्या होता है? सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर, क्योंकि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो नशे कर रहा है काहे के, करंट ईयर के। ठीक है, तो हम यहां पर कुछ चीजों को ऐड करते हैं और कुछ चीजों को माइनस करते हैं। हाँ जी, अब फिर से देखते जरा क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा वाला ऐड करते हैं? जल्दी बोलो। रिसीव्ड दिस ईयर ऐड करते हैं, रिलेटेड टू करंट ईयर ऐड करते हैं, जल्दी बोलो। हाँ जी, जल्दी, रिसीव्ड या रिलेटेड? रिलेटेड, बिल्कुल सही। रिलेटेड टू करंट ईयर जो होता है वो क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं एडवांस सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर, ये ऐड किया जाता है। वहीं बात करूं माइनस होने की, तो भाई माइनस की जाती है दो चीजें। एक होता है क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिस ईयर, लैग हो रहा है यार थोड़ा सा, रिसीव्ड दिस ईयर, उसके बाद मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। और यहां पर एक और होता है क्या? एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिस ईयर, ये चीजें माइनस होती है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, ध्यान से समझना। दीज सर लाइव लाइव बस 30-40 क्या ही कर सकते हैं। गुड नाइट। चलो आगे बढ़ते। हाँ क्या 8 बजे से चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी? ठीक, वैसे बात तो सही बोल रहा है सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं भाया, इसका कैलकुलेशन देख लेते फटाफट से। ओके आउटस्टैंडिंग पर सब छोड़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 21 लाख आपको मिला है। दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। मतलब क्या कि यहां पर जो 30,000 रुपए हैं, ये 30,000 रुपए कब से रिलेटेड है? रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर। मतलब ये कि ये वो पैसा है जो कि आउटस्टैंडिंग था और इस साल रिसीव हुआ। समझ में आ रही मेरी बात? अगर एक बात बताओ, पिछले साल का पैसा मिल रहा है 40,000 रुपए, इसका मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिस ईयर, समझ रहे हो? तो ये जो 30,000 होगा इसको आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, क्योंकि है ही आउटस्टैंडिंग पुराना, लेकिन इस साल मिल गया और हमको तो इस साल से रिलेटेड चाहिए। तो भैया जो रिसीव्ड है इस साल मिला है, जो कि पिछले साल से रिलेटेड है, उसको आपको भगाना पड़ेगा, तो इसको हटा दिया। ठीक, पहली चीज हमने हटा दी। उसके बाद अगर अपन बात करें, ओके इसके बाद अगर अपन बात करें इसकी 40,000 की, 40,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2021, इसका मतलब क्या कि ये भी एडवांस का ही है? मतलब ये तो क्या है, ये वो वाला आउटस्टैंडिंग था, एडवांस है। मतलब आपको मिला इस साल कब के लिए? फॉर द ईयर 2021, अभी चल रहा है 2020, ये देखो अभी 2020 चल रहा है और मिला 2021 के लिए। तो ये वो पैसा है जो कि एडवांस है, मिला है अपन को इस साल, एडवांस रिसीव्ड दिस ईयर। ऑब्वियस सी बात है, इस साल मिला है एडवांस में, मतलब आने वाले साल के लिए होगा, करंट ईयर से रिलेटेड को नहीं होगा। तो 40,000 भी आपके क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। मैंने ये दोनों चीजों को क्यों माइनस किया, क्या समझ में आ गया? जल्दी बोलो यस और नो, इज इट क्लियर? समझ में आया कि ये दोनों हमने माइनस क्यों किए, इसको माइनस क्यों किए? इज इट क्लियर? चलो जतिन को समझ में आ गया, जितने भी लोग हैं अब तो मैं बिल्कुल बिंदास पढ़ाऊंगा यार, क्योंकि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लिटरली पढ़ेंगे, बाकी जिनको जाना था वो तो जा चुके हैं। ओके
अब वही अगर मैं बात करूं इसकी, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि यहां पर बात आ जाती है रिलेटेड टू द करंट ईयर की। हमें आउटस्टैंडिंग जो ऐड करना है वो रिलेटेड होना चाहिए करंट ईयर से, ठीक है, और जो हम एडवांस की बात कर रहे हैं तो वो भी रिलेटेड होना चाहिए करंट ईयर से। अब यहां पर करंट ईयर से रिलेटेड कोई एडवांस तो मुझे दिख नहीं रहा है, मतलब ये कि देयर इज नो एडवांस लास्ट ईयर, तो यहां पर तो कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि अगर हम कहीं से कहीं तक पढ़ ले तो देखो यहां पर ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या लिखा है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 50,000 ऑन 31st मार्च 2020। ये देखो यहां ऑन 31st मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 50,000, मतलब ये कि करंट ईयर के एंड में हमने जब देखा कि भाई कितना आउटस्टैंडिंग है तो हमें दिख रहा है कितना 50,000। हमें कितना दिख रहा है, रुको उसको प्रीवियस में करते हैं, अरे यार जगह ही नहीं बची। ओके, हमें कितना दिख रहा है आउटस्टैंडिंग 50,000, कि 50,000 क्या है आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। अब अगर अपन बात करें आगे की तो करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1st अप्रैल 2019 वॉज 60,000, मतलब ये किस साल की स्टार्टिंग में कितना बाकी था 60,000 था। साल की स्टार्टिंग पे मतलब बिगनिंग पे 60,000 रुपए क्या थे, मिलना बाकी थे, राइट। अब आपको एक बार ध्यान से समझनी है कि हमें चाहिए करंट ईयर से रिलेटेड, क्या बोला मैंने, हमें चाहिए करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन। आपका ये है करंट ईयर का बैलेंस से ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर बात क्या बोल रहा है, ये कहां गया, हाँ ऑन, ठीक है, तो एज ऑन वाला है, मतलब 50,000 ये भी बैलेंस गिवन है और ये भी बैलेंस गिवन है, 60,000 भी, ठीक। तो मतलब ये तो बैलेंसेज है, हमें चाहिए करंट ईयर से रिलेटेड। अब आपको एक बार ध्यान से समझनी होगी, बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक वर्ड ध्यान से पकड़ना। करंट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग चाहिए, लेकिन ये है बैलेंस, तो इस बैलेंस में से अगर हम एक छोटी सी चीज माइनस कर दे तो हमारा जाएगा कि करंट ईयर से रिलेटेड बैलेंस कितना है। इस आउटस्टैंडिंग में पुराने आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूड है, अगर आप उनको घटा दो, किनको घटा दो, पुराने आउटस्टैंडिंग को घटा दो इस 50,000 रुपए में से, तो आपका जाएगा कि करंट ईयर रेट कितना था। अब हमारा काम कहां पर शिफ्ट हो गया कि हमें निकालना है पुराना, मतलब पिछले साल वाला आउटस्टैंडिंग, वो हमको दिख रहा है कितना 60 दिख रहा है। इसमें से देखो मिला कितना है, मिल कितना चुका, तो तुम देखोगे ध्यान से तो तुम्हें दिखेगा कि पिछले साल से रिलेटेड 30,000 रुपए तो हमें मिल चुके, मतलब ये जो 60,000 रुपए है ना, बोल रहा था कि पिछले साल का बाकी है, इसमें से 30 आपको तो मिल गए, मतलब अब जो बाकी है वो कितना है पिछले साल से रिलेटेड 30,000, ठीक। तो ये जो 50,000 बैलेंस आपको बता रहा है ना, इसमें से जो 30,000 है, पता है वो कब का है, वो भाई ये तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसे क्या निकल गया, करंट ईयर का निकल गया, कितना 20,000 निकल गया, मतलब ये वो पैसा है जो आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू द करंट ईयर। फिर से सुन लो, ये जो 50,000 है ये टोटल आउटस्टैंडिंग है, अब इसमें 10 साल पुराना पैसा भी बाकी होगा तो भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन हमें तो चाहिए करंट ईयर का। तो बस ये देख लो कि पिछले साल मतलब पुराना कितना पैसा बाकी है जो अभी भी नहीं मिला, उसको माइनस अगर आप कर दोगे तो इस साल का बाकी आपका निकल जाएगा। जिन जिनको समझ में आ गया बता दो, यस और नो जल्दी। तो यहां पर आप क्या कर दोगे, जो 20,000 होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू द करंट ईयर, इन 20,000 रुपए को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है जी। चलो तो इसमें आप अगर करोगे कैलकुलेशन तो ये आपका आएगा अप्रॉक्स 20,50,000, जो कि आंसर है। चलो, हर्ष को समझ में नहीं आया और बाकी अभिषेक को आ गया, आस्था को आ गया, दो मिनट देखो। अब जिनको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है ना, उनको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं क्योंकि ध्यान से समझने वाली चीज है ये, तो इसको अच्छे से अगर किया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, राइट। सुनो मेरी बात ध्यान से, जिनको कंफ्यूजन हो रही है उनको बता रहा हूं, यहां पर जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है, अब ध्यान से समझना इसको। चलो मैं बाद में अभी इसको कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, अब जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से समझना, क्योंकि उनके लिए जिनको समझ में नहीं आया, और सबको समझ में आना जरूरी है, मुझे मायने रखता है कई लोग भाग जाएंगे, भाग जाओ, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से, अप्रैल और मई और जून, ये तीन महीने हैं, मैं हर महीने का हिसाब कर रहा हूं, ठीक, हर महीने का मैं हिसाब कर रहा हूं। जब मई स्टार्ट हो रहा था, मैं सैलरी की बात कर रहा हूं मेरी, ठीक,
जब मई स्टार्ट हो रहा था, इसके पहले और क्या था, मान लो मार्च, चलो मार्च को भी भूल जाओ, अप्रैल से काउंट करते हैं और बात करते हैं जून की। मैं जून का हिसाब कर रहा हूँ, ठीक, मैं जून का हिसाब कर रहा हूँ। जब जून का हिसाब मैं कर रहा था तो स्टार्टिंग पे मैंने देखा, अरे मेरी 2000 रुपए की सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक, पुरानी, मतलब मई की आउटस्टैंडिंग है, राइट, मई की आउटस्टैंडिंग है। आपको मई की आउटस्टैंडिंग है 2000 रुपए, ठीक। और जब मैं जून के एंड में आया, जब जून खत्म हो गया, तो मैं बोला पता है क्या यार, अब आउटस्टैंडिंग हो गई कितनी, 4000। मतलब जब साल स्टार्ट हो रहा था तब का बैलेंस, मतलब टोटल बैलेंस 2000 रुपए बाकी थे। अब किसी भी महीने के हो सकता है मेरे मालिक ने मुझे अप्रैल की ना दियो, हो सकता है मेरे मालिक ने मुझे मई की थोड़ी बहुत ना दियो, मतलब कुल मिला के जब जून स्टार्ट हो रहा था तो 1 तारीख को मैं रो रहा था कि अरे अरे अब आ रहा है इसका ईमेल भी, वाह। हाँ, मैं रो रहा था कि 2000 रुपये अभी तक मुझे नहीं मिले, मेरे 2000 रुपये मिलना बाकी है, ठीक। 4000 रुपये जब साल महीना खत्म हुआ तब मैं 4000 रुपये को लेकर रो रहा था, अरे यार 4000 रुपये मिलना बाकी है, 4000 रुपये मिलना बाकी है। ड्यूरिंग द ईयर एक जादू हुआ, वो ये कि साल भर के दौरान मुझे मेरे मालिक ने कितनी सैलरी दी, 2000 रुपये सैलरी दी। मान लो चलो 3000 दी, 3000 रुपये सैलरी दी मेरे मालिक ने, जिसमें मुझे मालिक ने ये बोला कि सिद्धांत जो मैं 3000 रुपये दे रहा हूं ना यार, इसमें से अपने 1000 पुराने वाले काट लेना, तुम्हें पुराने भले मुझे 2000 रुपये देने थे लेकिन 1000 चलो काट लेना। कंडीशन और क्रिटिकल होते जा रही है, राइट। जब मैं स्टार्टिंग में देखा तो बोले 2000 रुपये बाकी, ठीक, राइट। जब साल महीना खत्म होने लगा तो मैं बोला अरे 4000 रुपये लेना बाकी है, लेकिन महीने के बीच में एक चीज क्या हुई, वो ये कि मेरे मालिक ने मुझे 3000 रुपये दिया, जिसमें से 1000 रुपये कब के थे, पिछले साल से, पिछले महीने से रिलेटेड थे, पुराने वाले पैसे थे जो मेरे को लेने थे, ठीक। इस टाइम पर मैं क्या करूंगा, मुझे पता करना है कि करंट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग कितना है। कैसे पता करूंगा मैं, बताओ जरा, ये जो 2000 है और ये जो 4000 है, ये स्टार्टिंग का है एंडिंग का है। मैं चाहूं तो बोल सकता हूं कि भाई 4000 4000 4000, मतलब 4000 को मैं बोलूं अरे आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है आउटस्टैंडिंग, लेकिन ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, ये बैलेंस है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पुराना भी कुछ बाकी हो, हमको तो चाहिए करंट मंथ का, सॉरी करंट मंथ की बात कर रहा हूं, करंट मंथ का चाहिए, राइट। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं सीधा सीधा देखूंगा कि पुराना 2000 बाकी था जिसमें से 1000 मिले थे, तो 1000 क्या हुए, नहीं मिले थे, मतलब अभी भी मुझे मई के 1000 रुपये मिलना बाकी है। और जब मैं जून के एंड में बोल रहा हूं कि भैया 4000 रुपये मिलना बाकी है टोटल, तो मतलब मेरा क्या है कि इन 4000 में 1000 मई वाले जो बाकी, वो भी मैं बोल के बता रहा हूं, ठीक है। तो 4 में से 1000 में माइनस कर दूंगा तो मेरा जो 3000 होगा वो क्या होगा, रिलेटेड टू द करंट मंथ। अगर मैं बोलूं कि जरा बताना कि करंट मंथ से रिलेटेड कितना है आउटस्टैंडिंग जून से रिलेटेड, तो वहां पर बोला जाएगा कि 3000 रुपये। समझ में आ रही मेरी बातें, जल्दी बोलो या सुनो, जल्दी समझ में आया जिनको भी नहीं आया था, जल्दी जिनको भी क्लियर नहीं होते। मैं कर क्या रहा हूं पता है तुम्हें, यहां पर मैं बस ये देख रहा हूं कि भैया जो भी मेरा बाकी है ये 4000, पता है दुष्ट इंसान है टोटल है ये, जो कि पिछले कई महीनों का बता रहा है, हमें चाहिए करंट महीने का। तो तुम्हें बस इतना सा देखना है कि पुराने वाले महीने का जो बाकी है उसको आपको इस बैलेंस से घटाना है ताकि तुम्हें करंट महीने का पता चल जाए। सेम काम हमने यहां पर किया था, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड अब बात करते हैं हम कंजप्शन की। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग बोर हो गए होंगे, एंड इट्स ऑलरेडी 9:15, बट स्टिल अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से। अरे यार बहुत कुछ बता है ये, कंजप्शन तो बचा ही है, इसके बाद फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी बची है। खैर अब मैं जल्दी से पढ़ाऊंगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज थी जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रही थी, ठीक है। चलो ओके, इसके न्यूमेरिकल की चिंता मत करो, मैं क्वेश्चन अभी मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया यार, सीरियसली एक भी क्वेश्चन नहीं कराया। अभी जब क्वेश्चन अपन करेंगे ना तो एक एक करके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो किस चीज का नशा कर रहा है, जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो, किस चीज का नशा कर रहा है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसको क्या चाहिए? अब भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, क्या? करंट ईयर, मतलब उससे चाहिए सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर। एक बात बताऊं, मान लो मैंने साल भर में मेडिसिन खरीदी, मेरे एनपीओ ने मेडिसिन खरीदी साल भर में 50,000 रुपए की, ये हमको कौन बताएगा? जल्दी बोलो, कोई आएगा क्या आपके कान में बताने की, अरे सुन 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 सुन, तुझे पता है एनपीओ ने इस साल 50,000 रुपए की मशीन खरीदी है, ओ मेडिसिन खरीदी है? कौन बताएगा हमें ये बात? जल्दी बोलो, कोई तो है जो हमें ये बात बताता है बार बार? कौन बताता है ये बात? जल्दी बोलो कि भैया 50,000 रुपए की हमने मशीन खरीदे। बिल्कुल सही अभिषेक, बहुत तेज। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, वो हमको बार बार आके बोलता है कि देखो हमने इस बार इतने की खरीदी थी। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या आपने पूरी 50,000 की दवाइयां खा गई? क्या आपके पेट में 50,000 की दवाइयां हैं? कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो तो यही बोलता है कि भैया करंट ईयर से रिलेटेड जो है, मतलब तुमने करंट ईयर में जो खाई है तुम वही लिखोगे। तुमने जितनी खरीद के लाए हमको उससे कोई मतलब नहीं, जितनी तुमने यूज किए हो वो लिखी जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर आपको सीधी सी ये चीज समझनी होगी कि यहां पर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, इसमें वह चीज लिखी जाती है, भले वो मटेरियल हो, स्टेशनरी हो या मेडिसिन हो, वो स्टेशनरी, वो मटेरियल या वो मेडिसिन लिखी जाती है जो कि इस साल कंज्यूम या यूज की गई है। ठीक है, समझ में आ गया? आप कैसे निकालें कि यूज कितनी की? देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो मेरे पास है ये एक पराठा, दिख रहा है पराठा, राइट? ये पराठा है ओपनिंग पराठा, मतलब ये कि ये जो पराठा है ना, इस पराठे में, मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी साइज, वेट, वेट के हिसाब से करें, मान लो पराठे का वजन है 10 ग्राम। ठीक, इस पराठे का वजन है 10 ग्राम। दिस इज व्हाट? दिस इज ओपनिंग पराठा, दिस इज ओपनिंग पराठा, राइट? दिस इज ओपनिंग पराठा। अब इस ओपनिंग पराठे नहीं, मान लो मैंने, अब मेरे पास दूसरा पराठा तो नहीं है, अदरवाइज आई विल एड द परचेज टू, आई डोंट हैव सेकंड पराठा। मान लो मैंने और पराठा खरीद लिया जो कि हो गया, मान लो 5 ग्राम पराठा और खरीद लिया मैंने साल भर में, पराठा दूसरा क्या बनाऊं मैं? ये मेरा अनादर पराठा। ठीक है, पराठा ये वाला और पराठा, ओपनिंग पराठा, ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया गया पराठा, टोटल पराठा कितना आ गया मेरे पास? 15 ग्राम पराठा, राइट? आई हैव 15 ग्राम पराठा। अब मुझे निकालना है कि भाई इसमें से मैंने खाया कितना। ठीक, अब साल खत्म, साल मतलब हो गया, साल चल रहा है, साल चल रहा है, यहां पर साल चल रहा है, ठीक है, इधर पर साल चल रहा है, तुम्हारे मतलब आड़ में साल चल रहा है, साल चल रहा है, साल चल रहा है, साल चल रहा है। अब मेरे पास आ गया क्लोजिंग पराठा जो कि सिर्फ इतना सा बचा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, अगर मैं इसका वेट करूं तो, अरे दिस इज ओनली 5 ग्राम ऑफ पराठा, 5 ग्राम नहीं, मान लो उसको 7 ग्राम है। मान लो जब मैं बोलूंगा कि एंड में कितना पराठा बचा तेरे पास, मैं बोलूंगा अरे यार सर 7 ग्राम बचा, इतना बस बचा, तो मैंने खाया कितना? अगर मैं एंड, देखो मेरे पास टोटल था 15 ग्राम पराठा, मैंने अगर खाया कितना मुझे वो पता करना है, तो मैं क्या करूंगा? जितना बचा है उसको माइनस कर दूंगा, 7 ग्राम पराठा मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा, तो जो 8 ग्राम पराठा बचेगा वो क्या कहलाएगा? पराठा कंज्यूम्ड। इज इट क्लियर? जल्दी बोलो, समझ में आया क्या? जल्दी बोलो, समझ में आ गया क्या कि कंजप्शन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला कैसे बनता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़े, लिटरली वो ठंडा हो गया यार मैंने, लेकिन बाकी गर्म गर्म खा चुके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? ये तो बड़ा आसान चीज है, फिर भी इसमें प्रॉब्लम क्यों होती है? इसमें प्रॉब्लम होती है हमें किस चीज में? ये निकालने में। कभी कभी आपको क्वेश्चन में टोटल परचेज गिवन नहीं होता, तो हमें टोटल परचेज जो है वो निकालनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टोटल परचेज में दो प्रकार की परचेज होती है, एक होती है कैश और एक होती है क्या? क्रेडिट परचेज। ये दो प्रकार की परचेज होते हैं और हमें कैश तो गिवन होता है लेकिन कभी कभी क्रेडिट गिवन नहीं होता है, जिसको हमें निकालना पड़ता है, और उसको निकालने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जो कि है क्या?
क्रेडिटर अकाउंट, आम वाला सिंपल वाला क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। अब ये क्रेडिटर अकाउंट का क्या सीन है, ध्यान से समझना, इसको समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन के थ्रू इसको समझा जाए। एंड ओके, ओपनिंग स्टेशनरी हमारे पास है 30,000 रुपए की, ठीक है। देखो अब मैं यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, ओपनिंग 30,000, ठीक, प्लस मुझे क्या करना है परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना था, माइनस मुझे करना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वाला कितना मेरे पास स्टेशनरी का, 5,000, मतलब 5,000 मेरा क्या होगा, माइनस होगा। अब मुझे ऐड करना है क्या, परचेस, नहीं नहीं निखिल मैं कहां जाऊंगा, मैं घर में ही बैठा रहता हूं सुबह से शाम तक, सुनो मेरी बात, बैक टू द क्वेश्चन। मुझे चाहिए क्या, परचेस, कि मैंने कितना खरीदा, जो कि मुझे गिवन नहीं है, क्या गिवन है लेकिन उसके बदले में, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000 रुपए। अब मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिसमें से जो पहला वाला होगा वो आपको सेटिस्फाई करेगा और जो दूसरा वाला होगा वो एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको सेटिस्फाई करेगा। तो पहले हम जो नॉर्मल सेटिस्फेक्शन है वो गेन कर लेते हैं। ध्यान से सुनो, मुझे चाहिए परचेस कि मैंने कितना क्या खरीदा, ठीक। तो अब मैं आपको इससे परचेस निकालना सिखा रहा हूं, ध्यान समझना। साल भर में मैंने 1,08,000 रुपए क्या किए, पे करके आए बंदे को, एक स्टेशनरी वाले वेंडर को, कि ये ले 1,08,000 रुपए, दे के आ गए उसको। तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं कह सकता हूं कि 1,08,000 का मैंने परचेस किया, लेकिन हो सकता है कि मैंने उसको कोई पुराने पैसे भी दिए हों। अगर मैं किसी को 1,08,000 रुपए दे के आ रहा हूं तो देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि मैंने 1,08,000 रुपए की खरीदी की होगी, है ना, पर जरूरी तो नहीं कि की होगी। तो मैं ऐसे 1,08,000 ऐड भी नहीं कर सकता। यहां पर लगाना पड़ेगा एक छोटा सा दिमाग, आप ये देख लो कि तुमने किसी को पैसा तो नहीं दिया, समझ गए। देखो क्रेडिटर अगर मैं बोलूं स्टार्टिंग में कितने थे, 20,000, जब साल खत्म हो रहा था तो क्रेडिटर कितने, 13,000। मतलब ये कि आपके क्रेडिटर 20,000 से 13,000 हो गए। तो एक बात जरा तुम सब बताना कि तुमने क्रेडिटर को कितने रुपए फेंक के मारे होंगे उसके मुंह पे। साल की स्टार्टिंग में 20,000 रुपए क्रेडिटर थे, साल के एंड में 13,000 क्रेडिटर हो गए, तो तुमने साल भर में कितना पैसा उसके मुंह पे फेंक के मारा होगा कि चल ले पुरानी उधारी अपनी खत्म कर, चल चल मैं उधारी नहीं रखता, है ना। तो यहां पर 7,000 रुपए हमने उसके मुंह पे फेंक के मारे होंगे कि ले भाई तो 7,000 रुपए पुरानी उधारी। तो बचे कितने, 1,01,000 रुपए। तो ये 1,01,000 रुपए क्या होगा, जो कि हमने कायदे से क्या किया होगा, परचेस किया होगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी क्या किया होगा, हमने परचेस किया होगा। तो ये जो 1,08,000 रुपए, 1,01,000 रुपए हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे परचेस के नाम से। इन 1,01,000 को आप क्या मानोगे, परचेस मानोगे। अब यहां पर और कोई जानकारी तो नहीं है, ये देख लिए, ये देख लिए, ये देख लिए, ये देख लिए, ये देख लिए। चलो तो इसका आंसर आपका जाएगा कितना, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका जाएगा 1,26,000 शायद। आई डोंट नो आंसर मैच कर भी रहा है कि नहीं कर, बताना जरा सही है कि नहीं। आई डोंट हैव बुक, ये बुक का क्वेश्चन है, कई लोगों को दिख रहा होगा बुक में, जल्दी 1,26,000 आ रहा है सही, ये माइनस है गुरजीत, ये माइनस है गुरजीत, हाँ चलो 1,26,000 आ रहा है। अब मैं आपको, अब एक बात बताओ, ये तुम परीक्षा में करके आओगे तो वो तुमको नंबर तो देने से रहा, क्योंकि तुम उसको तो ये नहीं बोल सकते कि मैंने 7,000 रुपए उसके मुंह पे फेंक के मारे थे, होगा क्या ऐसा, नहीं। अब तुम ये 7,000 माइनस किए तो क्यों किए, अच्छा अगर मैं बोलूं तुम मुझसे पूछो भाई एक बार बता ना जरा 7,000 माइनस क्यों किए, मैं बोल के बता दूंगा कि 7,000 मुंह पे फेंक के मारे क्योंकि 20,000 से जो क्रेडिटर थे वो 13,000 हो गए, मतलब साल भर में 7 उसके मुंह पे फेंक के मारे होंगे उधारी पुरानी वाली, ठीक, मतलब 1,01,000 का मैंने परचेस किया होगा। लेकिन इसको मैं शब्दों में कैसे बयां करूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है कहने के लिए, लिखने के लिए, इसीलिए इट्स बेटर टू प्रिपेयर द अकाउंट मैन, क्रेडिट अकाउंट बना लो, दुनिया का सबसे आसान अकाउंट है लिटरली, दो मिनट लगेगा बस। चलो फटाफट से देखते हैं, देखो भैया सिंपल सा फंडा है, क्रेडिटर अकाउंट कौन से नेचर का होता है, ये आम क्रेडिटर अकाउंट मतलब है आम वाला, मेंटोस जिंदगी वाला नहीं, आम जिंदगी वाला है। हाँ जी जल्दी बोलो, क्रेडिटर अकाउंट कौन से नेचर का होता है, क्रेडिटर अकाउंट कौन से नेचर का होता है भाया, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा
मैं किसी से कहूंगा नहीं। देखो भैया ये होता है लायबिलिटी नेचर का। वेरी गुड अमन, बहुत जहर तरीके से तुमने बताया। ये सबरे पर्सनल पर्सनल शुरू हो गए, लायबिलिटी नेचर का होता है। इतना मतलब पर्सनल पर्सनल करते हो, मॉडर्न अप्रोच लगाओ ना ब्रो। व्हाई वी आर यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच? बिकॉज़ गो मॉडर्न मैन, गो मॉडर्न। आत्मनिर्भर भारत, गो मॉडर्न। ये आत्मनिर्भर भारत बीच में कहां से आया? बट एनीवेज, चलो लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है। मतलब ये कि जब भी अगर क्रेडिटर बढ़ेंगे तो क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे, और अगर क्रेडिटर घटेंगे तो डेबिट साइड लिखे जाएंगे। यही फॉर्मूला, ये नियम होता है। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। होता है, बिल्कुल होता है। अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। लैग हो रहा है? मैं लैग हो रहा हूं? जल्दी बोलो, आई एम लैगिंग? क्या मैं लैग हो रहा हूं? नहीं ना? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू। चलो, इंक्रीज अगर हो रहा है क्रेडिट अकाउंट तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है डेबिट। अब यहां पर एक बात बताओ, कहां गया? हाँ जी, यहां पर लिखा है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018 20,000 रुपए। इसका मतलब क्या कि मुझे वो देव मानुष को 20,000 रुपए देने, मतलब मेरी लायबिलिटी है। इसलिए जो 20,000 रुपए रहते हैं, मतलब ओपनिंग क्रेडिटर जो होते हैं, वो क्रेडिट साइड पर ओपनिंग होती है बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, कि भाई 20,000 रुपए हमने सामने वाले बंदे को देने हैं। ठीक, ये क्रेडिट में क्यों लिखा, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। हर चीज को समझना आपको पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेबिट क्रेडिट है इनको याद नहीं करना है, हमें समझना है। ठीक है, चलो। तो ये जो 20,000 है हमने क्यों लिखा, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, ओपनिंग में सामने वाले बंदे को 20,000 रुपए देना हमारी लायबिलिटी है। वहीं अगर मैं बात करूं क्लोजिंग बैलेंस की, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना? 13,000। तो ऑब्वियस सी बात है, क्लोजिंग बैलेंस आपका कहां पर आएगा? इधर आएगा। बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 13,000 रुपए। ठीक, ये तो क्लोजिंग बैलेंस है। क्योंकि अब यहां पर सवाल ये आता है कि हमको और क्या करना है। अच्छा एक बात तुमसे, बस ऐसे नॉर्मल, आई एम जस्ट आस्किंग मैम, मतलब जस्ट जस्ट आस्किंग। क्रेडिटर को अगर तुम कुछ पैसे दोगे तो तुम्हारी लायबिलिटी घटेगी कि बढ़ेगी? जल्दी, क्रेडिटर को अगर तुम कुछ पैसे दोगे तो तुम्हारी लायबिलिटी घटेगी कि बढ़ेगी? जल्दी बोलो। अगर मैं क्रेडिटर को पैसे दे रहा हूं, वेरी गुड अमन, कुणाल, वेरी गुड वंशिका, गुड, वेरी गुड अदिति। हाँ, ऑब्वियस सी बात है क्या कि अगर हम उसको पैसे देंगे तो हमारी लायबिलिटी घटेगी, और लायबिलिटी जब घटती तो क्या होता है? डेबिट होता है। इसलिए जो आप पैसा पे कर रहे हो ना उसको, 1,08,000 रुपए, ये आप डेबिट साइड लिखोगे। इसलिए डेबिट साइड लिखे जाते हैं, क्योंकि जब आप पे करोगे तो आपकी लायबिलिटी क्या होती है? घटती है। ये आपका क्या आएगा? टू कैश अकाउंट। ठीक, अब सवाल ये वही आ गया यहां पर कि जब तुम्हारी लायबिलिटी 20,000 रुपए की थी पागल आदमी, तो तुमने 1,08,000 रुपए साल भर में दिया काहे को उसको? तो यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा ब्रो? परचेस होगा ना, दैट्स इट। 1,26,000, 26 ही, 2 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई इधर। ओ, रुकना रुकना रुकना, या तो मैंने पिछले क्वेश्चन में गलती कर दिया था शायद। अरे यार, शायद नहीं, गलती किया था। नहीं, किया नहीं, किया नहीं, किया नहीं, किया नहीं, किया। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। 2 मिनट रुक जाओ यार, क्या मैं पागल आदमी हूं? हाँ, तो यहां पर यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने कुछ गलती की है? 2 मिनट, 1,08,000 और 13,000 कितना होता है? 1,08,13,000 होता है, या आपका 1,21,000? बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका आएगा कितना? 1,21,000। और यहां पर भी ऑब्वियस सी बात है, 1,21,000 आना चाहिए, लेकिन यहां तो 20,000 आ रहा है। तो यहां का जो बैलेंसिंग फिगर होगा 1,01,000, वो क्या होगा? परचेस होगा। तो क्रेडिटर अकाउंट से ऐसे आप अपना छुपा हुआ परचेस निकाल लेते हो। ठीक है, क्लियर हो गया कि कैसे निकाले? जल्दी बोलो, इज इट गुड? ऑल गुड? समझ में आ गया क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाना है? कहां डेबिट, कहां क्रेडिट, क्यों डेबिट, क्यों क्रेडिट? बैलेंसिंग फिगर भी पता है इसी साइड क्यों आया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुम परचेस करोगे उधारी में तो तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ेगी ना, तो इसलिए यहां पर क्या किया, ये क्रेडिट साइड लिखा गया। ऑब्वियसली इसका बैलेंस जो है वाला ऑटोमेटिक क्रेडिट साइड पर आया। ठीक है, चलो, तो हमारा ये निकल गया क्या? क्रेडिट परचेस। तो यहां पर तुमको करना क्या, वही फॉर्मूला लगाना है क्या? 30 धन 1,01,000 माइनस 5,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आंसर। अकाउंट बनाते बनने लगा, जल्दी बोलो यस और नो, आगे बढ़े।
अकाउंट बनाते बनने लगा सबको क्रेडिटर अकाउंट, गुड। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं भैया थोड़े मेंटोस जिंदगी की, मतलब एक ऐसा अकाउंट जो कि सही में थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि लिटरली हर्ट ज्यादा करती हैं, राइट। चलो तो लेट्स गो बैक गाइस विथ द मेंटोस कॉन्सेप्ट, एक अलग तरीके का सवाल। अब यहां पर मैं डायरेक्ट आपको अकाउंट में बताता हूं। देखो भैया, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 20,000 थे ओपनिंग में, 13,000 थे क्लोजिंग में, तो सीधी सी बात है 20,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन मैं यहां लिख दूंगा और बैलेंस कैरिड डाउन मैं यहां लिख दूंगा, कितने 20,000 और 13,000 लिख दिया। अब यहां पर ओके 13,000, यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलो, ये तो बिल्कुल सिंपल था कि हमने क्या किया, ये जो क्रेडिटर्स थे इनको मेंशन कर दिया। अभी आपको स्टॉक नहीं देखना है मेडिसिन का, क्योंकि ये तो हम एट द एंड देखते हैं, ठीक है, तो इनको आपको नहीं देखना है। जरा इस पर आते हैं, हो गया तक तो क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। एडवांस पेड फॉर मेडिसिन ऑन 31st March 2020, एडवांस पेड फॉर मेडिसिन कैरीड फ्रॉम द एंडेड 31st March 2019, मतलब ये वाला जो है 2019 वाला जो है ये आपका स्टार्टिंग का बैलेंस है, ठीक है, और ये जो आपका है ऊपर वाला 13,000 ये क्लोजिंग का बैलेंस है। तो एक बात बताओ, किसी क्रेडिटर को जब आपको पैसे देने होते हैं तो आप क्या करते हो, क्रेडिट साइड लिखते हो, लेकिन किसी क्रेडिटर को से, मतलब किसी क्रेडिटर को अगर आपने एडवांस में पैसा दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है उसकी ओपनिंग अपोजिट साइड पर होगी, मतलब आपका पैसा जमा है क्रेडिटर के पास, इट्स इन अ नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करोगे, जो एडवांस आपने पे किया है किसको, क्रेडिटर को, उसको आप पता है कहां लिखोगे, उसको आप डेबिट साइड लिखोगे। तो द ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस पेड फॉर मेडिसिन जो कि है आपका 2,000 रुपए, वो आप कहां लिखोगे, डेबिट साइड लिखोगे। यहां पर आप लिखोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन एडवांस पेड, एडवांस पेड। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, बिल्कुल स्वाभाविक सवाल है कि 20,000 रुपए हमको उसको देने थे और 2,000 रुपए एडवांस में, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब एक ही व्यक्ति को मैं बोलूं कि मुझे तुझे 20,000 रुपए देने, मैंने तेरे पास 2,000 रुपए जमा किया हूं, हुई ना कंफ्यूजन, हुई ना। तो देखो बात ऐसी है कि यहां पर क्रेडिटर कई प्रकार के होते हैं, मतलब हो सकता है आपका एक से दो, एक क्या एक से ज्यादा हो क्रेडिटर, दो हो, तीन हो, चार हो सकता है उनका आप एक ही बार में हिसाब कर रहे हो इसलिए आपने ऐसा किया, कि हो सकता है कि दूसरे के पास 2,000 रुपए जमा है और एक को 20,000 रुपए देने हैं, समझ रहे हो। तो यहां पर अलग अलग क्रेडिटर हो सकते हैं, राइट। अच्छा अब हम बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है जब आपने जमा किया है एडवांस तो उसको आप डेबिट में लिख रहे हो, तो एडवांस का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा जो कि है 13,000 रुपए, ठीक है, उसको आप कहां लिखोगे, ये 13,000 ये वाला, इसको कहां लिखोगे, इधर लिखोगे, ठीक है, क्या है बैलेंस कैरिड डाउन है कौन सा, एडवांस वाला, राइट। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लो मेरी बात, यहां पर आपने जो भी पैसा साल भर में दिया, देखो क्या लिखा है कि एडवांस पेड फॉर मेडिसिन, दो मिनट, हां एडवांस पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000, मतलब ओ सॉरी अमाउंट पेड, मैं भी पागल हो गया हूं, हां अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, दो मिनट, ठीक है, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर कितना, 1,08,000, मतलब मैंने साल भर में कितना पैसा पे किया, 1,08,000 पे किया। यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, टू कैश लिख दूंगा, ठीक, ओ भाई यानी मस्ती नहीं, हाँ 1,08,000। अब यहां पर स्वाभाविक सी बात है मुझे करना है सिर्फ एक बैलेंस, चुटकी करूंगा और बैलेंस आपका आ जाएगा। चलो भाई करो कैलकुलेट कितना आएगा बैलेंस, यहां का टोटल आपका आएगा 15, मतलब अगर आप 15 ऐड करते हो तो ये होगा आपका 1,23,000 आई थिंक, ठीक है, और यहां पर आपका होगा कितना 33,000, तो 1,23,000 में से 33,000 अगर माइनस करोगे तो 90,000 निकल कर आएगा आपका क्या,
परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जो कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा। ओ सॉरी, परचेस है आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं, वो तो उसमें आता है। चलो क्लियर हो गया, जल्दी बोलो 90,000 कैसे आया, ये वाला क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाते हैं, समझ में आया? ध्यान बस इतना रखना है कि अगर आप एडवांस में पैसा दे रखे हो तो उसकी ओपनिंग आपको अपोजिट करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है जब ओपनिंग अपोजिट होगी तो क्लोजिंग भी अपोजिट होगी, और फिर एज सिंपल एज दैट। अच्छा अब मेरी एक और बात सुनो, अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका मैंने कॉन्सेप्ट तुमको समझाया था कि 7,000 हमने उसके मुंह पे फेंक के मारे, किस किस को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता? इसका मैंने भी सिर्फ अकाउंट बताया हूं, कॉन्सेप्ट नहीं बताया, क्योंकि अगर हम दिमाग में सोचें तो भी पता तो रहना चाहिए कि अगर बिना अकाउंट के सोचे तो कैसे आएगा कैलकुलेशन, अगर मेंटली सोचे तो, जैसे वहां सोच लिए थे कि 7,000 मुंह पे फेंक के मारे मतलब इतना पैसा हमने परचेज किया होगा। समझना है किसी को इसका कॉन्सेप्ट, या फिर आगे बढ़े? जल्दी जल्दी बोलो भाया, अगर समझना होगा तो समझ लेंगे। वाह सब बेसरम एकदम, नहीं समझना, वेरी गुड जी भाई, एक को समझना तो सबको बताऊंगा मैं। देखो भाई सीधा सा पढ़ना है, तुमने साल भर में 1,08,000 रुपए दिए, ठीक, शुरू साल की स्टार्टिंग पे 2,000 रुपए एडवांस थे, एंडिंग में 13,000 रुपए एडवांस हो गए। तो फिर से सुनो, साल के स्टार्टिंग में 2,000 एडवांस थे, एंडिंग में 13,000 एडवांस हो गए, मतलब तुमने साल भर में 11,000 और एडवांस में दिए होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज देख लो, क्रेडिटर, क्रेडिटर 20,000 थे स्टार्टिंग में, एंडिंग में 13 हो गए, मतलब क्या कि तुमने 7,000 रुपए किसको दे दिए, तुम्हारे क्रेडिटर को दे दिए, मतलब ये कि 11,000 तुमने किसी को एडवांस में दियो, 7,000 तुमने पुरानी उधारी चुकाई है, मतलब 18,000 तो तुमने फिजूल मोड़ा दिए, 1,08,000 में से 18,000 रुपए तुमने जब फिजूल मोड़ा दिए तो 90,000 रुपए का तुमने क्या करा होगा, परचेस किया होगा, दैट्स इट, बूम। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग की, क्लियर हो गया? अभी बताओ कि किस किस का मन नहीं कर रहा पढ़ने में, बिकॉज इट्स ओवर, मतलब बचा क्या क्या है अभी? फंड बेस्ड अकाउंटिंग बचा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओके ज्यादा कुछ बचा नहीं, लास्ट टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए एक मस्त टेक्निक लेकर आई थी, वो बची है। ईमानदारी से बोलना, मेरे को तो आदत है भाया, मेरे को तो आदत है, मेरा काम टलते रहता है, तो अगर तुम बोलोगे इफ यू खुश उसे तो मैं इसको कर ले लूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जल्दी बोलो, ऐसा नहीं है मेरा मन कर रहा है लेकिन तुम लोग का मन नहीं कर रहा, देखो जरा, एक टाइम था जब 60 वॉचिंग चल रही थी, 28 हो गई, 29 हो गई, 30 हो गई, इट मीन्स यूर मन नहीं कर रहा। हाँ तुम सीधा सीधा बता दो क्या करना है, पार्ट टू करना है, एग्जैक्टली exactly. नहीं और क्या ही कर सकते। देखो यार एक बात बताता हूं, अगर मैं जल्दी जल्दी कराना चाहूँ तो मैं करा सकता था, क्योंकि तुम्हें याद होगा जो मैंने आखिरी क्लास ली थी अनअकैडमी पे ऐप पर, उस पर मैंने 11 रात की 11 बजे से लेके 1 बजे तक पूरा अकाउंटेंसी 2 घंटे में बढ़ाया था, मतलब मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो बात अलग थी, अभी वाली बात अलग है। अभी तुम स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे पहले, और रिविजन एक अलग चीज होती है, समझ रहे हो ना? तो इट्स बेटर टू ब्रिंग पार्ट टू, बिकॉज अब ऐसा इसी शक भरी निगाहों से मत देखो मुझे, मुझे शर्म आने लगती है ऐसे में। कोई ना, कल कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, कल का टाइम तुम लोग बता देना, विल डिसाइड एंड डू दिस। चलो सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, एंड अब क्या ही कर सकते हैं लोगों, मैंने ना लेकिन तुम्हारे लिए एक मस्त चीज लाई थी, बहुत ही तगड़ी वाली, मतलब वो कल ही बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। चलो तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, एंड दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, और कोई भी बात हो तो बिंदास बोल देना। अभी क्या करोगे यार, इतना बज गया, तुम्हारा नेट नहीं खत्म हो गया होगा? देखो यार इट्स ऑलरेडी ना 10 बजने वाले, 8 बजे से पढ़ रहे हैं, मतलब 2 घंटे तुम पागल हो जाओगे यार। हाँ मैं पक्का हर हफ्ते लाइव आऊंगा, देखो अब एक पट्टी चलेगी, वो पट्टी बोलेगी सच, चल रही है लाइव पोल वॉर एंड सॉरी लाइव रिवीजन एंड पोल वॉर सेशन एवरी वीकेंड, ऐसा कुछ करेंगे कि हर हफ्ते हम आएंगे लाइव, और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को जिसका नाम है सिद्धार्थ निमा ऑफिशियल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो मैंने डाली नहीं है शायद,
बट हाँ आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए जी, सो मिलते हैं अगली कक्षा में, टिल देन बाय बाय। कोई गाना 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 एक मेरे पास है बहुत मस्त सा, पर कौन सा तो गाना था याद नहीं आ रहा यार, खैर छोड़ो। गाऊंगा एक गाना बेहतरीन सा, मतलब वो मजाकिया वाला गाना है, तारे गिन गिन याद में तेरी मैता जागर रतन रोक न पावा अखियां विच गम दियां बरसता नू इश्क तेरा तड़ पावे। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर और ये क्लास लेकर। टिल देन बाय बाय एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट कैबिन।